वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आर यू रेडी लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करना है तो इस बार टैक्सेशन में अस्सी बात सो दोस्तों यहाँ पे आ, जो भी स्टूडेंट ऐप पे कनेक्टेड है एक टेक्निकल इशू आ रहा है ऐप पे कि आपके मैसेजेस में देख नहीं पाऊँगा तो आ, वो क्योंकि जहाँ मैसेज का सर्वर होता है उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो भी ऐप से कनेक्टेड है वो यूट्यूब से कनेक्ट हो जाए यूट्यूब लाइव चालू है और यूट्यूब लाइव का वैसे तो आज का लास्ट सेशन है लेकिन अगर टेक्निकल इश्यू रहा तो कल भी हम सेशन यूट्यूब पर लेंगे ठीक है तो चलिए फिर से ये अनाउंसमेंट सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट होने के बाद मैं करूंगा तो आ जाइए आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा चलो फटाफट पड़ जो यूट्यूब से कनेक्टेड है बताओ ओके यहाँ होमवर्क कर लिया है यस और नो हाँ चलिए एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं आप आ जाइए ऑन पेज नंबर आई थिंक थर्टीन पेज नंबर थर्टीन पे आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फॉर जीएसटी चलिए देखो यहाँ पे हमने आर्टिकल 246 ए देखा था दैट इज अ सोर्स एंट्री फॉर जीएसटी चलो पढ़े अब या ना बातें शाते मुलाकातें क्लास के बाद हाँ इधर ध्यान दो और सारे टेंशन छोड़ दो दुनिया भर के टेंशन होते हैं क्या टेंशन होते बताएगी आपको आज उसने देखा ही नहीं हा? जिसको देखना है, वो देख लेगा और आ, आपके ये टेंशन तो ऐसे होते कोई लेट आता है तो जब तक वो बैठता नहीं तब तक आपको चैन आता नहीं उसके तरफ देखते हो फिर हाँ बैठ हाँ ठीक फिर आपकी तरफ वो देखे या ना देखे चलिए तो यहाँ पे आर्टिकल 246 अगर आते हैं तो आर्टिकल 246 में अगर हम यहां देखें दिस इज़ द सोर्स एंट्री फॉर लेवी ऑफ जीएसटी दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे इसमें सर याद रखने लायक क्या है बस आर्टिकल नंबर फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आया क्या उसके बाद में कौन से पांच ऐसे आइटम्स है जिसके ऊपर जीएसटी अभी नहीं है जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तब आएगा पेट्रोलियम क्रूड चलो लर्न करो मेरे साथ पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट टर्बाइन फ्यूल फिलहाल तो ये जीएसटी का नॉन टैक्सेबल सप्लाई है एक मिनट ये जीएसटी का एग्जम सप्लाई है या नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जम मतलब जिसके ऊपर लेवी है पर पेमेंट एक्समटेड है पेमेंट पब्लिक इंटरेस्ट और नॉन टैक्सेबल मतलब जिसके ऊपर ले भी नहीं वो हमारे क्लास का स्टूडेंट नहीं है समझ में आए क्या तो जहां तक देखा जाए इसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है 269 ए में यहाँ क्लियर प्रोविजन रखी कि इंटरस्टेट सप्लाई होगी तो इंटरस्टेट सप्लाई के केस में जो जी है वो आई लगेगा कलेक्शन सेंट्रल करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी सेंट्रल करेगा उसके बाद में 366 में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उन्होंने दी जिसमें कहा कि जीएसटी किसी भी एक्ट में जब जीएसटी का मीनिंग लोगे तो टैक्स ऑन ऑल गुड्स और सर्विसेज लेकिन अल्कोहल उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा उसके ऊपर जो पुराने टैक्स थे वही लगेगा ओके okay, वही लगेगा इज इट क्लियर और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि यहां पे हाँ दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट और जीएसटी इन दोनों में डिफरेंस क्या है इन दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी आ सकता है पर जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा अल्कोहल पे जीएसटी लाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड करना पड़ेगा यानी डेफिनेशन अमेंड करनी पड़ेगी इन दाउस ऑफ पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा राज्यसभा सर्विस स्टेट अच्छा कितने स्टेट है ट्वेंटी एट प्लस थ्री अभी से आदत लगाओ ट्वेंटी एट प्लस थ्री यानी कितने हुए थर्टी वन स्टेट थर्टी वन स्टेट्स उसके बाद में फाइव यूटी बताओ कौन सी ऐसी तीन यूटी है जहाँ जो स्टेट माने जाते हैं दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर ओके okay, जो स्ट्रेट माने जाते हैं उसके बाद में चलिए ये चार्ट आपको मैंने होमवर्क दिया था आपने बनाया होगा डेफिनेटली बनाया होगा और मैं चार्ट तो आपको होमवर्क ही देते जाऊंगा सो दैट अगर आप नहीं बनाओगे तो आपका नुकसान क्या है उसमें मैं बता देता हूँ नहीं बनाओगे तो बड़ा नुकसान ये है कि मेरा पूरा आगे का रिवीजन चार्ट फॉर्म में है अरे है ना चार्ट बुक आर आर रिविजन आता है आर आर आपको पता होगा तो रैपिड रिविजन तो पूरा चार्ट फॉर्म में है मतलब अगर उसने अभी होमवर्क नहीं किया तो आगे नुकसान ही उसका कोई उसको आगे बेनिफिट क्योंकि मैं रिविजन और आगे जब बात करता हूँ तो चार्ट के बेसिस पे ही बात करता हूं इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि चार्ट आपने मेरे साथ बना लेना है टेक्सीबिलिटी ऑफ गुड्स इन स्पेशल केसेस ऐसे कौन सी कैटेगरी जिसके ऊपर जीएसटी आता ही नहीं है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर होते हैं तो सेंट्रल एक्साइज और सेल होते हैं तो वैट या सीएसटी और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पन अगर मैन्युफैक्चर होते हैं तो स्टेट एक्साइज प्लस स्टेट एक्साइज प्लस सेल होता है तो वैट या सीएसटी तो तो ऐसे कौन से गुड्स है जो एक्साइज और जीएसटी में आते हैं तो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट जिसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज भी लगती है और जीएसटी भी लगता है और ख्याल रहे इनके ऊपर वैट नहीं है वैट या सीएसटी नहीं इनके ऊपर ओनली एक्साइज और जीएसटी है और ओपीएम नार्कोटिक्स पे स्टेट एक्साइज प्लस जीएसटी है ओके और बाकी सारे गुड्स जीएसटी में आते हैं हम स्पेशली ये चार्ट गुड्स का बना रहे थे ओके तो ये था रिगार्डिंग टू बड़ा सिंपल वे में हमने खत्म किया इसको ओके की डिफरेंट स्पेशल टाइप ऑफ गुड्स में जीएसटी कैसे आता है उसके बाद में अगर आपको याद होगा तो आ, हमने जीएसटी काउंसिल चालू कर दिया था ना रिकमेंड हम रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल पे रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल देखो यहां पे कौन कौन से रिकमेंडेशंस जीएसटी काउंसिल दे सकता है टैक्सेस टू बी सबसे एक्जशन कॉमन रखे जाए जीएसटी का मॉडल प्लस इंटरस्टेट जीएसटी का अलोकेशन अलोकेशन उसके बाद में थ्रेशोल्ड लिमिट बताओ जनरल थ्रेशोल कितनी है जनरल थ्रेशम्शन दो ट्वेंटी लैक्स कुछ केसेस में टेन लैक्स कुछ केसेस में फोर्टी लैक्स और जनरल थ्रेशूल ट्वेंटी है ट्वेंटी लैक्स तक आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की गवर्नमेंट कोई फोर्स नहीं करता है यानी अगर किसी को 20 लाख के टर्न ओवर तक आई रिपीट ट्वेंटी लैक्स के टर्न ओवर तक जीएसटी नहीं देना है तो वो लीगली नहीं दे सकता है हाँ अगर किसी को वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन करना है तो वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन कर सकता है पर ये एग्जाम्शन ऐसा नहीं कि हर साल मिलेगा वंस यूर एग्रीगेट टर्न ओवर क्या ट्वेंटी लैक्स यू बिकम अ रजिस्टर्ड पर्सन और अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो अब जब तक आपके पास जीएसटी है, तब तक हर पाए पे आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा और कस्टमर से लेना पड़ेगा और एक चीज अभी से समझ लो गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ेगा फिर आप कस्टमर से लो न लो ये तुम्हारा मामला है yes no? ये और नो ये तुम्हारा मामला है ओके okay, तुम ये मत कहने आना हमारे पास कि सर कस्टमर ने दिए ही नहीं फिर हम आपको दे गए नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लो नहीं तो अपने पॉकेट से दो लेकिन आपको जीएसटी देना पड़ेगा इसमें कस्टमर के एंगल से देखा जाए तो एक फायदा हो जाता है कि जो पहले 20 लाख के कस्टमर्स होते हैं उनको सस्ते में मिल जाता है विदाउट जीएसटी मिलता है लेकिन 20 लाख के बाद वाले जो कस्टमर होते हैं उनको जीएसटी ऐड करके हो जाता है इसमें नुकसान उन कस्टमर का है जो बी टू सी है क्योंकि जो बी टू बी कस्टमर है उनको तो क्रेडिट मिल जाता है उनका नुकसान का सवाल ही नहीं आता समझ में आ रहा है पर जो बी टू सी वाले हैं उनकी प्राइस अननेसेसरी बढ़ जाती है पर कोई ऑप्शन नहीं है ये बेसिक थ्रेश दिया है बीस लाख तक क्योंकि स्मॉल बिजनेसमैन को प्रमोट करने के लिए क्योंकि छोटे बिजनेस वालों को जीएसटी के कंप्लायंस पॉसिबल नहीं है स्पेशली रिटेल सेक्टर को आई रिपीट स्पेशली रिटेल पर उन्होंने रिटेल वर्ड कहीं नहीं यूज किया कोई भी ये बेसिक थ्रेश ले सकता है फिर वो मैन्युफैक्चरर हो होलसेलर हो ट्रेडर हो सर्विस प्रोवाइडर हो कोई भी हो ये बेसिक थ्रेशोल्ड सबको अवेलेबल है ओके बट वंस यू एक्सिड्स ट्वेंटी लैक्स इन अ फिनेंशियल ईयर एंड यू अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन तो अब आपको नहीं मिलेगा जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसल नहीं करते नाउ उसके बाद में रेट्स uh, rates, जहां तक हम बात करें तो रेट्स भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा कि आपके रेट्स क्या रखे जाएंगे ठीक है नेक्स्ट स्पेशल रेट अगर कोई एडिशनल रेट रखना रहा तो एडिशनल रेट भी जो है यहाँ पे जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर सकता है और हाँ ये स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आसाम जम्मू एंड कश्मीर मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड ये जो है एक बार आपने जैसे इसके नीचे मैंने एक टाइटल दिया है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट दिख रहा है आपको इन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट बोला जाता है आपके लिए आज का दूसरा होमवर्क करना ही पड़ेगा छोटे छोटे होमवर्क होगा मोस्टली ज्यादा ज्यादा पंद्रह बीस मिनट लेंगे उससे ज्यादा नहीं लेंगे क्या करना है इन स्टेट का अरेंजमेंट करना है आपको मेमोरी टेक्निक में क्योंकि ये स्टेट्स लर्न करने पड़ते हैं स्टेट्स लर्न करने पड़ते हैं तो एक मेमोरी टेक्निक बना लेना जैसे जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दू जैसे मैं चार आपको सब अरेंज करना है पर एग्जाम्पल दे रहा हूं जैसे मैंने लिया त्रिपुरा अगर मैं लेता हूं त्रिपुरा मणिपुर नागालैंड मिजोरम ओके जैसे चार स्टेट लिया आपको पूरा अरेंज करना है ओके okay, तो अगर ऐसे चार स्टेट लिए तो मैं चार स्टेट का ऐसा मेमोरी टेक्निक बना लूंगा थ्री पूरा थ्री ओके okay, मनी मतलब मनीपुर वाला नाग मनी वाला नाग यानी नागालैंड मुझे मिजोरम अरे आया ना मुझे यानी मिजोरम दिखा तो मनी वाला नाग मुझे दिखा कुछ समझा क्या ऐसी कोई मेमोरी टेक्निक मेरे पास है रेडी पर मैं चाहता हूं कि आप बनाओ ठीक है आप अपने टेक्निक बनाओ पहले आप क्या लिखोगे ऐसे कुछ तो भी मेमोरी टेक्निक बना के स्टेट के नाम याद रखना पड़ेगा अब मैं आपको यह बता दू जैसे आप अरुणाचल प्रदेश ऐसा जिस तरह से मेमोरी टेक्निक है उस तरह से लिस्ट बनाना अरुणाचल प्रदेश आसाम जम्मू एंड कश्मीर अरे समझा क्या मेघालय मिजोरम तो एक अरेंज कर लेना फिर जो भी मेमोरी टेक्निक बनती है उसके हिसाब से आपको ये स्टेट लर्न करना है पर ये स्टेट सर क्यों लर्न करना है बता दो बनाना है जैसे थ्रेश ये बताओ जनरल रिमिट थ्रेश की कितनी है ट्वेंटी लैक्स लेकिन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा ये इनको कहा जाता है लर्न करना है। इनको कहा जाता है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो इनके लिए दस लाख ,00 ही है इनके लिए क्या दस लाख ,00 है तो कुछ प्रोविजंस सबको सेम नहीं रहेगी कुछ प्रोविजन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट को अलग चल सकती है इनको अलग चल सकती है कहा था कि नहीं हमारे स्टेट में बिजनेसेस ही कम है और अगर हम बीस लाख का थ्रेश दे देंगे तो हमारा टैक्स रेवेन्यू होगा ही नहीं क्योंकि सारे मोस्ट ऑफ द केस में रिटेलर है हिली एरिया में छोटे छोटे बिजनेसेस है अगर हम 20 20 लाख का थ्रेश देते बैठे और जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे 20 लाख तक तो भी स्टेट का रेवेन्यू क्या रहेगा हम इतना 20 लाख नहीं रखेंगे हम 10 लाख ही रखेंगे अरे आए ना तो फिर गवर्नमेंट ने कहा ठीक है वैसे तो नो no डाउट हम जो भी जीएसटी की पॉलिसी डिसाइड करेंगे यूनानिमसली फॉलो की जाएगी यूनानिमसली फॉलो की जाएगी पर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट हो तो इसमें थोड़ा बहुत प्रोविजन अलग भी चल सकती है तो ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट की मेमोरी टेक्निक आपको बनाना है आपके हिसाब से बनाना है और वो सारे स्टेट्स लर्न करना है मैं कल चेक करूंगा येस yes और नो no? हाँ तो वहां लिख के लिए आपको चलिए अब आ जाइए जीएसटीएन पोर्टल जीएसटीएन पोर्टल ओके ये अब हम हमारे दो लेक्चर्स के बाद डेली में आपको टच में रखूंगा जीएसटीएन पोर्टल के यहाँ ओपन करके हर चीज कैसे इंप्लीमेंट की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा तो मैं सिर्फ आपको थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं पढ़ाऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं पड़ा होगा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जीएसटी को देखेंगे वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट जीएसटी डॉट जी ओ वी डॉट इन ओके तो वो पोर्टल क्या रहेगा किस तरह से उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे हम ये सारी चीजें आपकी लर्न हो जाएगी पोर्टल के साथ इसलिए अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं इसको जैसे जैसे पोर्टल वैसे एक एक पॉइंट आपको क्लैरिफाई करते इज इट क्लियर नाउ नेक्स्ट आते हैं पे जिनेसिस और हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया प्रायोरिटी सी एग्जाम में पूछेंगे नहीं बस आपके मॉडल में दिया है इसलिए ये फ्लो मैंने नीचे डायग्राम में या ऊपर टेबल में एक्सप्लेन किया है ये पेज कोई भी काम का नहीं है एग्जाम परपज के लिए ओके मतलब मतलब जीएसटी के जीन्स कैसे डेवलप हुए ना पूरी हिस्ट्री क्या थी उसकी जीन्स कैसे डेवलप हुए तो इन द ईयर 2000 हमारे इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड कमिटी सेट सेटअप टू डिजाइन जीएसटी मॉडल फॉर इंडिया ठीक है 2000 में गवर्नमेंट वाजपेयी गवर्नमेंट थी ठीक है पहली बार स्टेटमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था 1994 में

तो यहां पे केलकर टास्क फोर्स ने कहा कि भाई नेशनल जीएसटी लाया जाए वो बात अलग है कि ये कमेटी का रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि हमारा जीएसटी नेशनल जीएसटी है या ड्यूअल मॉडल में डुएल्व मॉडल में जो भी स्टूडेंट ऐप में कनेक्टेड है मैं कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि यूट्यूब पे लाइव चालू है वहां जुड़ जाना हाँ अगर आपको कोई कमेंट नहीं करना है तो ऐप पे भी आप जुड़े रह सकते हो नाउ नेक्स्ट दो में ओके okay, जब वापस यूपीए गवर्नमेंट आई मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आई और पी चिदम्बरम मतलब 2004 में ही आ गई थी और पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम फर्स्ट अप्रैल 2010 से ही जीएसटी लाएंगे और ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट का नहीं ये यूपीए गवर्नमेंट का ही ओके okay, ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम एक अप्रैल दो से जीएसटी लाए लाएंगे पर वो ला नहीं पाए पर वो ला नहीं पाए पता नहीं आप तब छोटे हो पर आपको याद है एक लोकपाल बिल का बहुत बड़ा आ, अन्ना हजारे अन्ना हजारे लोकपाल बिल का बहुत बड़ा आंदोलन चला और उस आंदोलन में जीएसटी गया मतलब 2010 में नहीं आ पाया समझ में आया क्या तो अब उसके बाद में 2011 में प्रपोजल रखा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नहीं हुआ फिर एट लास्ट दो में बीजेपी गवर्नमेंट आई बोलने के लिए बीजेपी मोदी गवर्नमेंट आई हाँ तो अब यहां पे 2014 में जो है बीजेपी गवर्नमेंट आई और बीजेपी गवर्नमेंट ने फिर प्रपोजल रखा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का 122 नंबर का ये समझ में आया क्या 122 नंबर का प्रपोजल रखा और ये प्रपोजल के okay, पास हुआ जो अमेंडमेंट है 101st अमेंडमेंट ओके 101st बस उसको हाईलाइट कर दो तो, वही याद रखना है 101st अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ और जीएसटी लाने का प्रावधान रखा गया था और पास भी हो गया ठीक है तो वो संशोधन कर लिया गया और ओके okay, अप्रैल में जीएसटी बिल बनाए यानी इमेजिन करो देखो कितना फास्ट इंप्लीमेंटेशन करवाया और यही गड़बड़ हो चलो बारह अप्रैल को बिल बनाए और एक जुलाई को इंप्लीमेंटेशन भी लेके आ गया यानी लोगों को पढ़ने का भी ज्यादा टाइम नहीं मिला अरे समझ में आया क्या पर वॉटर इट में भी तो आ, यहां पे जीएसटी लाया गया एक जुलाई 2017 से डन तो ये था उसका फ्लो मैंने ऐसा चार्ट में बना के दे दिया आपको अगर कभी पढ़ना है हिस्ट्री विस्ट्री कहीं प्रेजेंटेशन देना है तो ये फ्लो काम का है एग्जाम के लिए फ्लो कोई काम का नहीं है इज इट क्लियर चलो नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वैट डिफिशिय हो गया बेनिफिट्स हो गए क्रेडिट सिस्टम हो गए एलेवन नंबर तक हो गया ना हमारा चैप्टर खत्म होते आ रहा है ठीक है तो यहां पे एलेवन नंबर का होमवर्क था ना इलेवन नंबर का आपने कर लिया होगा तो, नेक्स्ट हाँ. आ जाओ आप फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस नेक्स्ट आ जाओ फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां पे कीप इन प्रायोरिटी बी अगर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो कीप इन प्रायोरिटी बी ठीक है फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एन इंपॉर्टेंट एंड मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू भाई इंडायरेक्ट टैक्स जो है ये मेजर सोर्स है गवर्नमेंट का रेवेन्यू का ये उसका एक पहला फीचर है ओके इन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट मोर देन 50 परसेंट ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एंड क्या स्टेट गवर्नमेंट ठीक है मतलब ऐसा बोला जाता है कि इनकम टैक्स से भी ज्यादा रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स का है बोला जाता है कि एक्चुअल है अगर हम पूरा सी प्लस एस टोटल मिला लेते इज इट क्लियर उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर आता है बेटा कमोडिटीज एंड सर्विसेज ये सब हुआ है सिर्फ पढ़ रहा हो कहीं अगर प्रॉब्लम जाता है तो मैं सॉल्व कर दूंगा हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे ठीक है तो टैक्स ऑन कमोडिटीज और सर्विस इट इज लिविड ऑन कमोडिटी एट द टाइम ऑफ सप्लाई मैन्युफैक्चर परचेस और सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट देयर ऑफ हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज कमोडिटी टैक्सेशन इट इज ऑन टैक्सेज ऑफ सर्विसेज हम जीएसटी नहीं पढ़ रहे हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई पे भी आ सकता है फॉर एग्जाम्पल जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स मैन्युफैक्चर पे भी आ सकता है फॉर एग्जाम्पल फॉर सी वैट जीएसटी, अच्छा एक्साइज और वैट लॉ कंप्लीटली अबोलिश आज भी है आज भी है और वो इनडायरेक्ट टैक्स भी है वो कंप्लीटली अबोलिश नहीं हुए हैं यस और नो ठीक है yes no? तो मुझे ना अभी मैं पढ़ा देता हूँ फिर बाद में आप पढ़ते हो ना तो डाउट आते हैं आपके सर इसमें तो बोला कि की पर लगता है बर्डन।, क्या, टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है सर ये आपने पहले दिन से पढ़ा दिया सब कुछ समझ में है ना बर्डन पास ऑन द जीएसटी विल बी पेड बाय सेलर ऑफ द गुड्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द क्या बायर बाय इंक्लूडिंग द टैक्स

और कोई साथ में रहे तो पता भी नहीं चलता है। अरे आया हाँ ना तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए <coughs> तो यहां पे इसका कोई पिंच भी नहीं आता स्पेशली क्योंकि प्राइस में इंक्लूडेड होता है इन्फ्लेशनरी टैक्स इंपोज ऑल अराउंड प्राइस स्पाइरल, इन अदर वर्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्टली अफेक्ट अंडरलाइन प्राइजेस ऑफ द कम्योडिटी एंड सर्विसेज एंड लीड टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हाँ, अगर आपने जीएसटी के रेट बढ़ा दिए तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं क्योंकि प्राइजेस बढ़ जाती है स्पेशली अल्टीमेट कंज्यूमर वाली समझ में आया ना जैसे अभी कोविड के टाइम निर्मला सीतारामन इनका स्ट्रांग प्रपोजल था कि कोविड से भी लगाओ और कुछ जो पांच परसेंट वाला स्लैब है उसको आठ करो फाइव परसेंट वाला स्लैब जो है वो एट करो यानी फाइव परसेंट उड़ाई दो स्लैब हम कर देते हैं एट ट्वेल्व एटी नाइन ट्वेंटी एट और सारे फाइव परसेंट के गुड्स एट में लाओ ठीक है बहुत स्ट्रांग प्रपोजल था मुझे याद है इसके ऊपर तीन काउंसिल मीटिंग पे डिस्कशन हुआ कोविड शेष हो ये है फाइव टू एट क्योंकि पैसों की जरूरत थी गवर्नमेंट को ओके okay, कोविड में तो जहां तक देखा जाए सभी स्टेट्स ने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया कि नहीं फाइव परसेंट में मोस्ट ऑफ द गुड्स वो है जो डेली यूज के गुड्स है अगर हम वो फाइव टू एट कर देंगे तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा ऑलरेडी लोगों के पास पैसा नहीं है उस पर से हम प्रोडक्ट की प्राइजेस बढ़ा दे समझ में आया ना ऊपर से हम प्रोडक्ट की प्राइजेस बढ़ा दे तो जहां तक देखा जाए इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं रहा निर्वला जी भी आखिरी में एग्री हो गए कि ठीक है बात तो सही है तो वो प्रपोजल कोई रूट आउट नहीं हुआ ठीक है लेकिन हाँ यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अगर रेट्स बढ़ जाए तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है नाउ नेक्स्ट वाइडर टैक्स बेस मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट और आर सब्जेक्ट सर्विसरेक्टिस विथ लो थ्रेश सारे गुड्स और सर्विस अभी जीएसटी में एक्सेप्ट सिक्स सिक्स प्रोडक्ट कौन से पेट्रोलियम और वो तो ठीक है पर ऐसा नहीं कि उसके ऊपर भी टैक्स नहीं उसके ऊपर एग्जिस्टिंग टैक्सेस है जो पुराने टैक्सेस है वो अभी भी कंटिन्यू किए जा रहे हैं उसके बाद में यहां पर प्रमोट द सोशल वेलफेयर कंजन ऑफ हार्मुल प्रोडक्ट और सॉरी हार्मुल प्रोडक्ट और सीन गुड्स सच एज अल्कोहलिक प्रोडक्ट टोबैको प्रोडक्ट एक्सेट्रा हाँ गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर भी इंडायरेक्ट टैक्स से मैनेज किया है जैसे सिगरेट्स सिगरेट हार्मफुल प्रोडक्ट हैगा दिया और हेवी टैक्स लगाने के बाद जिसको फूकना है फूको अरे आए ना पता है सिगरेट पर एक्साइज भी लगाई हुई है टोबैको तो प्रोडक्ट है ना एक्साइज भी लगाई है जीएसटी भी लगाया है और जीएसटी सेज भी लगाया तो है तो गवर्नमेंट इंडायरेक्ट टैक्स एज अ टूल यूज करती है टू तो प्रोमोट क्या सोशल वेलफेयर जिसको जो गुड्स को डोमिनेट करना है हार्मफुल गुड्स है सीन गुड्स है ऐसे गुड्स पे हेवी टैक्सेस लगा देना सो देट ऑटोमेटिकली प्राइजेस बढ़ेगी तो लोग कम कंज्यूम करेंगे इज इट क्लियर ओके तो चलिए चेक देर कंजम्पन बट ऑल्सो एनेबल द स्टेट टू कलेक्ट द सब्सटैंशियल रेवेन्यू यानी अलकोहल पे भी जहां तक हेवी टैक्सेस लगे हैं तो बस गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टे पैसा तो मिल ही रहा है साथ साथ में हम लोगों को कह रहे पब्लिक इंटरेस्ट कह mm -hmm. रहा है ना तो नैक्स्ट रिग्रेसिव इन नेचर रिग्रेसिव इन नेचर भी हो गया हमारा रिग्रेसिव इन नेचर मतलब रिच एंड पोअर हैव टू पे द सेम रेट ऑफ इंडा टैक्स ऑन सर्टन कमोडिटी मास्क कंजन दिस फर्दर इंक्रीज इन इनकम डिस्पेरिटी बिटवीन रिच एंड पोअर क्या है कि आज बिस्किट खरीद रहे अंबानी भी खरीदेगा वो बिस्किट तो उतना ही टैक्स है और एक बेगर भी खरीदा तो उतना ही टैक्स है तो एक तरह से डिस्पेरिटी क्रिएट होती है रिग्रेशन क्रिएट होता है पर चलो इंडिया में हमने ये रिग्रेशन मैनेज किया बाय नोटिफाइंग फोर कैटेगरी ऑफ रेट्स बताओ कैसे फाइव ट्वेल्व एटीन एंड ट्वेंटीटली थे टली थेरी डिस्कशन जिसका मोस्ट ऑफ द डिस्कशन हमने most क्या, ही पहले कर लिया सिर्फ आपको पॉइंट वाइज मैनर में मैंने अरेंज कर दिया है ओके okay, ये चैप्टर का लास्ट पार्ट ओके टैक्स हिरार की एंड बॉडी ऑफ क्या जीएसटी लॉ आ जाए टैक्स एंड बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ पहले लिख लो फिर मैं पूरा फ्लो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं ठीक है राइट डाउन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट डाउन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें लिखो इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया फास्ट लिखना एक एक वर्ड नहीं देखना है स्टेटमेंट कैच करना है सेकंड ऑल एक्ट्स इमेनेट्स इमेनेट्स मतलब जन्म होता है मतलब सोर्स ओके okay, तो ऑल एक्ट्स इमेनेट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया all acts emanates from constitution of india constitution of india constitution hamara supreme law hai aur sare act ka source wahi hai wahan se hi sare acts bane hain jiski authority list 1 list 2 ya list थ्री से मिलती है और GST की authority article 246 A सिक्स ए से मिलती है ए से मिलती है समझ में आया ना उसके बाद में एक्ट एक्ट में लिखो इट इज पास बाय पार्लियामेंट इट इज पास बाय पार्लियामेंट ब्रैकेट में एट सेंट्रल लेवल ब्रैकेट में एट सेंट्रल लेवल ब्रैकेट कंप्लीट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ब्रैकेट में एड क्या स्टेट लेवल स्टेट लेवल अच्छा एक्ट कौन बनाता है बेटा पार्लियामेंट बनाता है सेंटर पे पार्लियामेंट बनाएगा स्टेट पे लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ये थोड़ा मैं फास्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ लिया लॉ में भी पढ़ लिया और अभी जीएसटी में पढ़ रहा ठीक है तभी कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स इससे रिलेटेड में जरूर पड़ा होगा आपको ठीक है नाउ नेक्स्ट एक्ट के बाद आते हैं रूल्स रूल्स कौन पास करता है लिखो अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा और ये शॉर्ट फॉर्म पूरे सब्जेक्ट जब तक एंड नहीं होता तब तक, तक याद रखना है सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट और एलए मतलब लोकल अथॉरिटी एलए मतलब लोकल अथॉरिटी इज इट क्लियर तो चलो यहां पे लिखो रूल्स सी जी स्लैश एस जी सी जी स्लैश एस जी हैज पावर टू इशू रूल्स कौन नालायक है कौन कौन बोल रहा है इश्यू इश्यू बोलने के राइट्स भी मेरे पास है, हा तो या याद तक है तो इश्यू नहीं सॉरी <laughs> तो सी जी स्लैच एस जी हैज अ पावर हैज अ पावर टू टू इश्यू रूल्स समझ ओपी मतलब ओपी का है हाँ सेकेंड पॉइंट लिखो It is issued for proper implementation of law. It is issued for proper implementation of law. Issued for proper implementation of law. Rajesh? Next, regulations. सी बी आई सी इसको पता है सीबीआईसी क्या होता है लिखना हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो ब्रैकेट में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सीबीडी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सीबीआईसी नहीं चलो नहीं, नो सी बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ब्रैकेट में लिखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस And customs, Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs, take care, bracket complete, has a power to issue regulations, power to issue regulations. Uh. <laughs> now, next point. It is issued for pro proper administration of law. Underline the word proper administration of law. Proper administration of law. उसके बाद में नोटिफिकेशंस नोटिफिकेशन इट इज इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इट इज इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जनरली इट इज रिलेटेड टू एक्जिशंस और प्रोसीजर अंडर जीएसटी

ज इश्यूड बाय सी बी आई सी फुल स्टॉप लिखो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्क्यूलर आगे लिखो फुल स्टॉप ऑब्जेक्ट ऑफ सर्क्यूलर ऑब्जेक्ट ऑफ सर्क्यूलर सर्क्यूलर इज द डायरेक्शन Sorry, uh, is to bring uniformity in the law. Is to bring bring uniformity in law in case of ambiguity. In case of ambiguity. Then it is also called direction continually. It is also called directions or instruction of C V I C. It is also called directions or instructions. Instruction of cbic for department for department ठीक है सर ये एंबीग्यूटी क्या होता है क्या होता है एंबीग्यूटी उसका मजा अभी बताता हूं आपको लॉ में एंबिक्यूटी क्या होते हैं आपने dt पढ़ लिया बहुत सारे ऐसे वर्ड से जाया अलग अलग इंटरप्रिटेशन है लॉ क्लियर नहीं है जीएसटी में भी ऐसा होगा तो वहां आते हैं फिर सर्कुलर्स, ठीक है चलो अब नेक्स्ट पेज ब्लैंक दिया है आपके इसमें जहां आपको एक डायग्राम ड्रॉ करनी है और ये डायग्राम के बेस पर फिर मैं आपको ये जो हिरार है ये हिरार एक्सप्लेन करूंगा ठीक है पहले मिनट डायग्राम के पहले थोड़ा मैं टच करता हूं बताओ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है या एक्ट सुप्रीम होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है जहां से सारे एक्ट के जन्म होते हैं जो सोर्स देता है सारे एक्ट के लिए ठीक है फिर एक्ट एक्ट कौन पास करता है पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट फिर उसके अंडर बनती है सब पॉलिसीज सब पॉलिसीज बनती है रूल्स के फॉर्म में ओके okay, रूल्स के फॉर्म में बनती है और यह सब पॉलिसी बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट यस देर इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ओके फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ व्हाट एवर गिवन इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओके इसको जो भी ब्रॉड पॉलिसी बनी है पार्लियामेंट में उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाता है रूल्स टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट आती है अपने प्रॉपर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन के लिए रोज़ बनाती है उसमें चेंजेस भी करती है और जीएसटी में तो अमेंडमेंट्स होते ही रहती है ये समझ में आया ना उसके बाद में ओके okay, उसके नीचे और सब पॉलिसी सब पॉलिसी बनाता है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स फॉर प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ ऑल एक्ट एज वेल एज रूल्स एक्ट एज वेल एज रूल्स उसके बाद में कभी कभी नोटिफिकेशन होते हैं एग्जाम्शन भाई अभी ओके okay, ये प्रोडक्ट को एग्जाम्शन देना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एग्जाम्शन देना है ओके okay, यहाँ पे जो हैंडमेड शूज और चप्पल है उनको एग्जाम्शन देना है इन अ पब्लिक इंटरेस्ट ओके या फिर कोविड आ गया इसलिए पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एग्जाम्शन देना है तो ऐसे नोटिफिकेशन इशू करने का पावर सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट को है और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट को है और लास्ट में सर्कुलर सर्कुलर कुछ डायरेक्शंस होती है ओके okay, जो जी एस टी में तो बहुत सारे सर्कुलर्स है और वहां सर्कुलर क्यों इशू करने पड़े कहाँ लॉ में एम्बीग्यूटी थी मैं आपको हर चीज समझाऊंगा तो यहाँ पे जब भी कोई एम्बीग्यूटी एम्बीग्यूटी आ जाए जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन के लिए यहाँ पे रास्ता रख दे वहां पे सही इंटरप्रिटेशन क्या होगा तो उसके लिए सीबीआईसी अपने डायरेक्शंस इशू करता है ओके okay, जो डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग होते हैं नाउ तो अब इसके बेस पर हम ये चार्ट बनाएंगे आपको क्या करना है जो वर्टिकल पेज आपको इस तरह से एक ब्लैंक पेज दिया हुआ है ये ब्लैंक पेज में आपको वर्टिकल नहीं उसको हॉरिजेंटल करना है उसको क्या करना है हॉरिजेंटल करना है और ये चार्ट ड्रॉ करना है ठीक है हॉरिजेंटल करके चलो ड्रॉ करो चलो ड्रॉ करो टाइटल दो एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टाइटल दो एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया दो पार्ट करो सेंटर एंड स्टेट स्टेट के नीचे कुछ नहीं है हम पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं आई थिंक पेज नंबर ट्वेंटी सेवन ना यस yes. सेंटर और स्टेट स्टेट के नीचे कुछ नहीं है इसलिए आप पूरा स्पेस यूज कर सकते हो अब सेंटर को तीन पार्ट में डिवाइड करो सेंटर को तीन पार्ट में डिवाइड करो पहला लेजिस्लेटिव ऑर्गन दैट इज ब्रैकेट में लॉ मेकिंग ऑर्गन पहला लेजिस्लेटिव ऑर्गन ब्रैकेट में लॉ मेकिंग ऑर्गन सेकेंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और तीसरा जुडिशियल ऑर्गन जुडिशियल ऑर्गन मतलब इंटरप्रिटेशन ऑर्गन जुडिशियल ऑर्गन मतलब इंटरप्रिटेशन ऑर्गन पूरा ही पेज यूज कर लेना था पूरा ही पूरा ही पेज यूज कर लेना था पूरा ही किया ना आपने स्टेट के नीचे कुछ नहीं है ठीक है लॉ मेकिंग ऑर्गन के नीचे लिखो पार्लियामेंट लॉ मेकिंग ऑर्गन के नीचे लिखो पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव ऑर्गन चार्ट इतना ही है ठीक है तो आपको एक फ्लोर रखना है नीचे नीचे जाएगा अकॉर्डिंगली स्पेस मैनेज करना है ठीक है <coughs> अब लॉ मेकिंग ऑर्गन में पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में लिखो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशियल ऑर्गन के नीचे लिखो कोर्ट यस पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और कोर्ट क्या है हाईलाइटर नहीं दिख रहा है हाइड हो गया अच्छा पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कोर्ट ठीक है दो मिनट यहां रुकना फिर आगे चार्ट कैसे बढ़ेगा मैं बताता हूं दो मिनट यहां रुकना मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है वेरी गुड भाई साहब पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है कोई बता पाएगा एदा दो सर पार्लियामेंट मतलब सारे उसमें सारे मिनिस्टर्स आ गए सारे स्टेट्स के जितने भी मिनिस्टर्स एमएलए सब सब मिला के पार्लियामेंट बनाएंगे पर आ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है सही है पर थोड़ा सा इसमें गलती है सबसे पहले तो पार्लियामेंट मतलब एम नहीं आएंगे उसके अंदर एम पी ओके पार्लियामेंट मतलब इंडिया में सारे पब्लिक से चुने गए एम जिसको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट के हेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपने ये तो सुना होगा कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट में पास होता है तो वो उसी दिन पास होता है जिस दिन प्रेसिडेंट का असेंट मिला हो अरे ना सो हु इज़ द हेड ऑफ़ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर सर वी नेवर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओके पार्लियामेंट में हमने कभी प्रेसिडेंट को देखा ही नहीं है स्पीकर इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ओके okay, भाई प्रेसिडेंट की अपनी डिग्निटी रखी है अपना रिस्पेक्ट रखा है नहीं तो इमेजिन करो प्रेसिडेंट बैठे और कोई चेयर फेंक रहा है पार्लियामेंट में कोई कागज फेंक रहा है पार्लियामेंट में अरे आया ना तो कोई फाइल फेंक रहा है पार्लियामेंट में तो नहीं ओके स्पीकर इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट समझ में आया क्या और हर दिन का रिपोर्टिंग स्पीकर से जाता है टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि आज पार्लियामेंट में क्या हुआ क्या नोटिंग हुआ क्या नहीं हुआ ठीक है तो स्पीकर इज नॉट द हेड ऑफ पार्लियामेंट President of India is the head of Parliament. I hope you understood. Now Parliament constitutes अब देखो आगे Parliament constitutes Lok Sabha, Rajya Sabha and Parliament Committee. मतलब Yes ध्यान सुनना Lok Sabha जिसमें जो member होते हैं elected by people of India MP समझ में आया ना Rajya Sabha किसी को बताया Rajya Sabha और विधानसभा में डिफरेंस है नहीं समझा राज्यसभा एंड विधानसभा में डिफरेंस है एमएलए जो होता है वो राज्यसभा का मेंबर होता है या विधानसभा का मेंबर होता है विधानसभा का एमएलए इज अ मेंबर ऑफ विधानसभा ये समझ में आया क्या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली तो ऐसे केस में राज्यसभा इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और ये स्ट्रक्चर इतना सर ये कुछ काम का है क्या हमारे कुछ चीजों का जन्म होने वाला है उसका बैकग्राउंड चालू है समझ में आया ना अब आप जब कोई मैथोलॉजिकल uh, सीरियल देखते हो एग्जाम्पल कृष्णा की तो पहले पचास एपिसोड से वो या पहले बीस एपिसोड से कंस रहा है ना तो फिर बाद में धीरे धीरे कृष्णा का जन्म होता है ये उसका बैकग्राउंड है मुझे कुछ आगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे जीएसटी का आपके साथ डिस्कस करना उसके पीछे बैकग्राउंड चल रहा है ठीक है तो जहां तक देखा जाए लोकसभा उसके बाद में राज्यसभा राज्यसभा ये यहां पे पार्लियामेंट का पार्ट है अब देखो इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया था इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर भी बनाया है पर एक के पास पूरी कंट्रोल में पावर रखी भी नहीं है मतलब मतलब ये था कि ऑनरेबल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इनको पता था कि भाई सेंट्रल के डिसीजन स्टेट्स को भी अफेक्ट करते हैं समझ में आया ना अब सेंट्रल में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो पूरे इंडिया में लागू होगा पूरे इंडिया में लागू होगा तो स्टेट स्ते, को भी अफेक्ट करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है तो ही वो डेमोक्रेसी में उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा तो ऐसे केस में ओके okay, हर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ राइट दिए कि भाई आप अपने कुछ चुने हुए मेंबर्स चु, आप मेंबर्स चुनो और वो सेंटर में भेजो एज अ पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ क्या राज्यसभा तो ये स्टेट गवर्नमेंट ओके okay, कुछ मेंबर करती है जो चुने ही स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र है या फिर उधर ओके okay, आप गवर्नमेंट है उधर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है हरियाणा है तृणमूल कांग्रेस ये फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते है कहा पे सेंटर में और उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मेंबर ऑफ क्या राज्यसभा राज्यसभा के मेंबर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स जैसे आपने कभी सुना होगा सचिन तेंदुलकर मेंबर ऑफ राज्यसभा थे अब उन्होंने कोई इलेक्शन तो लड़ा नहीं था पर मेंबर ऑफ राज्यसभा थे अभी बहुत सारी कुछ सेलिब्रिटीज में कोई होगा कोई यहाँ पे एंटरटेनमेंट वगैरह हर स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है ओके कल हो सकता है धोनी को आप देख लो एज अ मेंबर ऑफ क्या राज्यसभा कोई स्टेट गवर्नमेंट भेज दे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ओके okay, तो जो भी होगा साइलेंट प्लीज हमें डिस्कशन ज्यादा खींचना नहीं है सिर्फ मेरे को फ्लो को लेके आगे बढ़ना है ओके okay, तो राज्यसभा इज आल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट इसलिए बहुत से ऐसे लॉज होते हैं जहां आपको टू थर्ड वोटिंग लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा तो ही वो सेंटर में पास होते हैं ये समझा क्या या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंड करना है तो यहां पर टू थर्ड वोटिंग ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा इसलिए तो बहुत सी बार यहां पे बीजेपी गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है कि हम डिसीजन लेने वाले हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं तो राज्यसभा को भी हमें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा मतलब हमको स्टेट को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा तब जाके यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है अरे सर तो ये जो भी है राज्यसभा और एक होती है पार्लियामेंट कमेटी पार्लियामेंट कमेटी यानी क्या समझ लो ओके दिस इज द हाउस ऑफ पार्लियामेंट जिसमें यहां मेजोरिटी बीजेपी की है लेकिन क्या होता है मेजोरिटी बीजेपी की होगी तो वो तो गवर्नमेंट होगी जो अपोजिशन होता है आई रिपीट जो अपोजिशन होता है वो पार्लियामेंट कमेटी होती है वो पार्लियामेंट कमेटी होती है और वो जो पार्लियामेंट कमेटी है वो यहां पे हर क्वेश्चन इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट को पूछ सकती है ओके okay, और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल दिप, के ऑडिट जो होते हैं उनकी रिपोर्ट उनके पास जाती है वो रिपोर्ट चेक करते हैं कि गवर्नमेंट सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है ये समझ में आया ना तो जनरली पार्लियामेंट कमिटी अपोजिशन में होती है आई होप यू अंडरस्टूड तो ये स्ट्रक्चर होता है तो इंडिया में लॉ बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है इंडिया में कोई भी लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है ये समझ में आया क्या लॉ बना इवन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट अगर जीएसटी में कोई चेंज करना हो इनकम टैक्स में कोई चेंज करना हो अगर एक्ट में चेंज करना हो तो इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऐसा नहीं बोल सकते आई डिसाइडेड टू चेंज दिस नो उनको प्रपोजल रखना पड़ता आई प्रपोज टू मेक सच चेंजेस इन दिस एक्ट इन दिस आई प्रपोज टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉ इन इंडिया में आया क्या आपने चीजें पढ़ी है थोड़ा अलग परसेप्शन से पढ़ा रहा हूं ये समझ में आया क्या तो लॉ मेकिंग ऑर्गन इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ मेकिंग ऑर्गन इज अ पार्लियामेंट ठीक है मेजोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है वो पास करवा लेता है ओके okay, पर दे हैव टू ब्रिंग दैट प्रपोजल इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो यहां पे सेकंड अब कोई लॉ है जीएसटी लॉ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बस अब हम स्टार्ट ही करेंगे जीएसटी लॉ को जीएसटी लॉ प्रेजेंट होगा इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट होगा अगर वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो गया ओके okay, पास हो गया तो फिर उसका इंप्लीमेंटेशन होगा और इंप्लीमेंटेशन जो करेगा वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट और द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर तो चलो इतना लिख लो पहले इतना लिख लो इट्स डन विधानसभा के एमएलए विधानसभा के मेंबर्स एमएलए होते लोकसभा राज्यसभा इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट विधानसभा इज अ स्टेट लेजिस्लेचर बिहार में वो डिपेंड्स कि तुमको कितने वोटिंग्स मिली है तुम्हारे कितने एमएलए उसके बेस पर डिसाइड होता है वो फॉर्मूला है वो मुझे भी नहीं पता ठीक है ठीक है चलिए यहां पे नाउ, सेंट्रल गवर्नमेंट द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक है उसके नीचे होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अच्छा हु इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देखो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू लिखो हेड इज फाइनेंस मिनिस्टर हेड इज मिनिस्टर और अब हमें रेवेन्यू लॉ से कंसर्न है जैसे टैक्सेशन में हमें दो लॉ से कंसर्न एक कौन सा लॉ है डायरेक्ट टैक्स अरे है ना ना इनकम टैक्स और दूसरा कौन सा है इनडायरेक्ट टैक्स तो अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसके हेड है फाइनेंस मिनिस्टर ओके उनको हेल्प करते हैं दो बोर्ड बताओ कौन से दो बोर्ड होते सीबीडीटी एंड सीबीआईसी तो उसके नीचे दो पार्ट करो सीबीडीटी एंड सीबीआईसी सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स लिखा ये। आज थोड़ा राइटिंग पार्ट ज्यादा है और जो आज लिखेंगे वो कल बहुत इंटरेस्टिंगली डिस्कस करेंगे ठीक है।, है तो चलो ओके सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंड टैक्सेस एंड कस्टम्स अब ये बोर्ड के नीचे काम होता है काम करता है सारा जीएसटी डिपार्टमेंट ओके okay, सारा जीएसटी डिपार्टमेंट और अगर सीबीडीटी तो पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी के नीचे काम करता है ये समझ में आया क्या तो अब ये सीबीआई के नीचे सीबीआईसी के नीचे लिखो मेरा कंसर्न सीबीआईसी से है इसलिए सीबीआईसी से नीचे लिखो ओके जीएसटी डिपार्टमेंट सी से नीचे लिखो जीएसटी डिपार्टमेंट ठीक है जीएसटी डिपार्टमेंट अब यहां पे उसके नीचे लिखना पहला प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर लिखना है तो लिख लो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर उसके नीचे चीफ कमिश्नर उसके नीचे होता है प्रिंसिपल कमिश्नर उसके नीचे होता है प्रिंसिपल कमिश्नर उसके नीचे होता है कमिश्नर देन एडिशनल कमिश्नर कुछ पुलिस की याद आ रही है लाइक like... हा uh. देन क्या एडिशनल कमिश्नर उसके नीचे होता है ज्वाइंट कमिश्नर उसके नीचे होता है ज्वाइंट कमिश्नर उसके नीचे होता है डेप्यूटी कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर उसके नीचे होगा असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर और लास्ट में इंस्पेक्टर्स और सुपरिटेंडेंट सुपरिंटेंडेंट भी बोला जा सकता है इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ जीएसटी और पुलिस नहीं लास्ट में इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ जीएसटी ठीक है नौ अब समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखो कोई जीएसटी लॉ इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास हो रहा है हमारे ऑफ पार्लियामेंट प्रपोजल रख रहे हैं जिसे कहा जाता है बिल, GST bill present किया in the house of parliament. वो हुआ। ये समझ में आया क्या तो जीएसटी बिल प्रेजेंट हुआ okay, discussion हुआ। और डिस्कशन हुआ और एक जुलाई दो कुछ याद आया क्या एक जुलाई 2017 को प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया कि चलो जीएसटी लॉ पूरे इंडिया में क्या कर दो इंप्लीमेंट कर दो इंप्लीमेंट कर दो अब ये इसको जीएसटी लॉ को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की ये समझ में आ रहा है हु इज द गवर्नमेंट हैविंग मेजोरिटी ऑफ वोटिंग इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट समझ में आया क्या तो अब वो इंप्लीमेंट वो करेगा जीएसटी लॉ पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करेगा ओके okay, यहां पे इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन उसका रहेगा दैट इज प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल फॉर इंप्लीमेंटेशन उसके अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के हेड मतलब कौन फाइनेंस मिनिस्टर तो अब जीएसटी कलेक्शन करना सभी लोगों से प्रॉपर कलेक्शन करना सभी लोगों ने जीएसटी लॉ फॉलो किया है कि नहीं किया है किसी ने टैक्स छुपाया कि नहीं छुपाया स्क्रूटिनी प्रॉपर हो रही है क्या रेड प्रॉपर हो रही है क्या सब लोगों से रिटर्न सब फाइल कर रहे हैं क्या सब रिटर्न की चेकिंग हो रही है क्या यह पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर को देखना पड़ेगा अरे यस और नो अब फाइनेंस में इमेजिन करो सुना फाइनेंस मिनिस्टर अगर इतना एडमिनिस्ट्रेशन करते बैठे कि सभी यहां पे जाके टैक्स कलेक्ट हो गया जीएसटी दो मंथ हो गया जीएसटी दो ओके भाई साहब अगर ऐसे डोर टू डोर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जाते बैठेंगे ना तो पता चलेगा पूरे महीने में एक भी सिटी नहीं हुई अरे है ना तो उनको हेल्प करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए अंडर रेवेन्यू एक्ट दो बोर्ड सेटअप हुए बताओ कौन से दो बोर्ड सेटअप हुए? सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट एंड कस्टम्स ओके तो ये बोर्ड मेंबर जो है, ये बोर्ड मेंबर फाइनेंस मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं कि भाई मेरे नीचे जो ओके मेरे यहाँ पे सिपेस आलार हो गए समझ में आया ना ओके फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर के सिपे सालार हो ऐसे मेंबर्स बॉडी होती है है बोर्ड बोर्ड की और वो में मेंबर कौन हो ये करते हैं हो सकता है कोई रिटायर्ड जज होगा जी इनडायरेक्ट हो टैक्स बहुत अच्छा एक्सपर्ट इसमें होगा okay, बहुत अच्छा कंसल्टेंट होगा मैं भी फ्यूचर में ये फाइनेंस मिनिस्टर अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं कि पूरे इंडिया में कौन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा अरे समझ में आया ना अब ये बोर्ड मेंबर के अंडर में सारे इंडिया के जीएसटी डिपार्टमेंट होते हैं और सीबीडीटी के नीचे सारे इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं फिर डिपार्टमेंट यानी ये जो पूरी फौज है प्रिंसिपल कमिश्नर से लेके तो इंस्पेक्टर तक ये पूरी फौज तो ये जो यहां पे बोर्ड मेंबर सिफे सला होते हैं और ये कहते हैं कि जाओ पूरे इंडिया में फैल जाओ सबको मैं डेजिग्नेशन दूंगा तो प्रिंसिपल के चीफ कमिश्नर तू कमिश्नर अरे ना पूरे इंडिया में फैल जाओ और जाओ देखो कि लोग जीएसटी लॉ प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं या नहीं और ये पूरी फौज इंडिया में फैल गई समझ में आया क्या तो जैसे फिर वो जिसको कहते हैं हम जीएसटी डिपार्टमेंट कि वो चेक कर रहा है कि आप लॉ प्रॉपर फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो टैक्स दे रहे हो या नहीं दे रहे हो कहीं छुपा तो नहीं रहे हो ये समझा क्या फिर उसके नीचे अब देखो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ उन्होंने पुणे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफिस दिया है मतलब यहाँ पुणे में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफिस है जिसके अंडर में एकदम पुलिस जैसा है एकदम पुलिस जैसा है जिसके अंडर में ओके चीफ कमिश्नर ऑफ पुणे आता है चीफ कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद आता है चीफ कमिश्नर ऑफ सोलापुर कोलहापुर आता है हाँ, समाजीनगर सॉरी ओके okay, सॉरी संभाजी तो यहाँ पे ओके okay, ऐसे जो भी अलग अलग तो पुणे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के अंडर में समाजीनगर भी आता है अरे <laughs> उसके बाद में नासिक भी आता है सोलापुर कोलापुर भी आता है ये समझ में आया क्या फिर उसके अंडर में चीफ कमिश्नर के अंडर में आते प्रिंसिपल कमिश्नर यस yes और नो no? प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर

एक बहुत पुराना एग्जाम्पल था शायद एग्जाम्पल श्रेयस का था श्रेय श्रेयस होगा एक ऑफिसर जिसकी इंसल्ट हुई थी जो भी होगा ओके एक ऑफिसर श्रेयस ही था ना हाँ आपको याद आया उस ऑफिसर की इंसल्ट श्रेयस ने की कि जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी लेके आओ और फिर मेरे से टैक्स का कर लेकर करो कुछ याद आया क्या तो उसकी तो यहां पे श्रेय ने कहा था एक एग्जाम्पल तीन दिन पहले का था कि श्रेष्ठ ने कहा था कि क्या आप मेरे से टैक्स कलेक्ट करना चाहते हो उस ऑफिसर ने कहा हाथ हैिटी हाँ। है उसने कहा ना ना तो गेट फ्रॉम हियर पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लेके आओ और फिर मेरे से टैक्स कलेक्ट करो अब वो ऑफिसर आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लेके आएगा अरे आया ना ऑफिसर तो भाई ये जो आपके शॉप में फैक्ट्री में ऑफिस में जो स्क्रूटिनी करने ऑफिसर आते हैं वो ये ऑफिसर होते हैं ये समझ में आया ना वो ये ऑफिसर होते हैं पूरी हिरारकी का फ्लो देखो कैसा ना इंस्पेक्टर सुप्रिंटेंडेंट आर अकाउंटेबल टू असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर समझ में आया क्या असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर अकाउंटेबल टू क्या ज्वाइंट कमीशन अकाउंटेबल का मतलब कि वो जो भी काम कर रहे हैं इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो किसको रिपोर्ट करेंगे हायर ऑथोरिटी को समझ में आया ना ओके ज्वाइंट और एडिशनल कमिश्नर अकाउंटेबल टू कमिश्नर कमिश्नर अकाउंटेबल टू प्रिंसिपल कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर अकाउंटेबल टू चीफ कमिश्नर चीफ कमिश्नर अकाउंटेबल टू प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और पूरे इंडिया के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर अकाउंटेबल टू सीवीआईसी सीवीआईसी अकाउंटेबल टू फाइनेंस मिनिस्टर स मिनिस्टर अकाउंटेबल टू प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल इन दाउस ऑफ पार्लियामेंट समझ में आया क्या अकाउंटेबल इन <laughs> कि अगर जीएसटी लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है लोग परेशान हो रहे हैं और जीएसटी में चोरियां हो रही है आईटीसी में स्कैम हो रहे हैं तो यहां पे राहुल गांधी क्वेश्चन पूछेंगे अपोजिशन कमेटी से कि हमारी गवर्नमेंट जीएसटी अच्छे से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है यहां फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इन्होंने अपनी चेयर छोड़ देनी चाहिए अरे ना तो नाउ हियर प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर अकाउंटेबल इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट की जो लॉ जीएसटी पास हुआ था उसका सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन चल रहा है और वो पूरे ऐसे हिरारकी से होता है ये समझ में आया कि नहीं आया तो गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा इन द हाउस ऑफ तो यहां पे गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा आसाम पे गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा मणिपुर पे गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा फाइनेंस पे अरे है ना गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा अदानी पे ठीक है ना <laughs> नेक्स्ट तो ये पूरा फ्लो और इस तरह से हमारा लॉ एडमिनिस्ट्रेट हो किया जाता है आप मुझे पता है आप पढ़ लेते हो सीबीडीटी सीबीएसई पर ये बना कैसे जन्मा कहां से इनका रोल क्या है ये फ्लो में समझ में आएगा ठीक है चलो अब आते हैं ज्यूडिशियल ऑर्गन इंटरप्रिटेशन ऑर्गन सर इनकी जरूरत क्या होती है भाई लॉ बन गया लॉ एग्जीक्यूट हो रहा है फिर ये बीच में क्यों आते हैं कभी कभी Law बनते वक्त एम्बिग्यूटी रह जाती है अलग अलग इंटरप्रिटेशन आते हैं लोगों के साथ अनजस्टिस हो जाता है तो कोई जस्टिस देने वाला तो चाहिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस लेना चाहूंगा और इंटरेस्टिंग केस एक्साइज की थी लेकिन लेना चाहोगा मजा आएगा आपको केस थी पॉकेट कैलकुलेटर ऑरपेड कंपनी नाम सुनने ऑरपेड का रियल केस था कैलकुलेटर okay, का केस था ओके ऑर्पेड कंपनी कैलकुलेटर का केस था कंपनी कैलकुलेटर बना रही थी दो टाइप के एक ये ऐसा छोटा कैलकुलेटर जो आपके पास होगा एग्जाम्पल साइज बता रहा हूं ठीक है एक इस टाइप के छोटे कैलकुलेटर ये कीपैड है कैलकुलेटर एज्यूम करो अरे हा ना तो तो ये आपके पास दिख रहे कैलकुलेटर छोटे हैं बस उतने तो और पैड छोटे कैलकुलेटर तो कंपनी छोटा कैलकुलेटर बना रही थी और कुछ कैलकुलेटर बड़े कैलकुलेटर तो इससे भी बड़ी साइज से Okay, बड़े कैलकुलेटर अब एक्साइज के टैरिफ में ध्यान से। एक्साइज के टैरिफ में रेट दिया था पॉकेट कैलकुलेटर फाइव परसेंट एक्साइज ड्यूटी ओके okay. और अदर कैलकुलेटर कितना टेन परसेंट मतलब अदर्स लिखा था टेन परसेंट तो अर्पेट कंपनी ने क्या किया यहां पे वो छोटा कैलकुलेटर हो या बड़ा कैलकुलेटर दोनों पे एक ही रेट लगाया क्या फाइव परसेंट और क्लियर करते गए रिमूव करते गए कस्टमर को बेचते गए और गवर्नमेंट को फाइव परसेंट ही एक्साइज दी अब क्या हुआ डिपार्टमेंट को यह इंफॉर्मेशन मिली कि कंपनी बड़े कैलकुलेटर पे भी पांच परसेंट लगा रही है जबकि टैरिफ में रेट कितना दिया है टेन समझ में आया क्या टेन और फाइव परसेंट ही लगा रही है और कस्टमर को भी फाइव परसेंट पास ऑन कर रही है मतलब कहीं तो भी टैक्स की चोरी हो रही है अरे और नो तो इमीडिएट यहां पे टीम बनाई गई बाय एडिशनल कमिश्नर और वो टीम डिसाइड किया कि ऑर्पेड कंपनी पे आज रेड करते हैं सारे ऑफिसर्स सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर समझ में आया क्या और ये कुछ आठ लोगों की टीम ऑर्पेड कंपनी के फैक्ट्री में चले गई सबसे पहले तो फैक्ट्री गेट बंद कर दिया कोई बाहर नहीं जाएगा विदाउट परमिशन यस और नो ओके okay, फिर पूरा जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह जो भी है वहां पे आ, एक घंटे के लिए पूरा मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप करवा दिया ओके okay, सारे रिकॉर्ड्स मंगवाए गए सारे रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं okay, ओके उनकी सेल्स फाइल गई ओके सेल्स फाइल चेक हो रही है लगना चाहिए ना चल रहा है रेड चल रहा है हाँ तो सेल फाइल चेक हो रही है यहाँ पे उसके बाद में उनका स्टॉक चेक हो रहा है सब कुछ चेक हो रहा है जब सेल फाइल में देखा गया कि बिग कैलकुलेटर का जब ऑर्डर आया कस्टमर का इन्होंने एक साइज लगाया कितना फाइव परसेंट अकाउंट मैनेजर को बोला जल्दी ओके क्या ये आपका स्टॉक बड़ा कैलकुलेटर है ये स्टॉक में पड़ा हुआ बड़ा कैलकुलेटर है ये हमने लाया। अरे आया ना ये सैंपल हमने लाया ये बड़ा कैलकुलेटर आपने फाइव में क्लासीफाई किया कैसे नॉट अलाउड ये अलाउड नहीं है अकाउंट मैनेजर ने कहा कि सर वो फाइव परसेंट में ही जाता है नो दिस इज नॉट अ पॉकेट कैलकुलेटर व्हाट इज द रेट पॉकेट कैलकुलेटर फाइव परसेंट अरे समझ में आया क्या अदर कैलकुलेटर टेन परसेंट ये टेन परसेंट में क्लासीफाई बने ओके इनके पिछले पांच साल के रिकॉर्ड ओपन करो क्योंकि ऑथरेडी लास्ट फाइव ईयर्स की है एक्साइज में ठीक है पांच साल के रिकॉर्ड्स अकाउंट को बोला सारे पांच साल की सेल्स फैल लो फ्रॉड करना पाप नहीं है पकड़े गए तो अभी तो छोड़े ही नहीं पिछले पांच साल की बारात समझ में आया क्या और इनकम टैक्स में कितने साल है, क्या आपको देखा। <laughs> अलग अलग केस में कई छह कई आठ है ठीक है बाकी मुझे ज्यादा पता नहीं ठीक है तो अब यहाँ पे पांच साल की केस ओपन करो पूरे पांच साल के रिकॉर्ड लगे सब रिकॉर्ड को ऑफिस बोला सब सब, को को सब 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 जमा किए कंप्यूटर हो गए तो प्रिंट आउट निकालो सबकी सबके हार्ड डाइक में ये लोग कॉपी करो और इनके सबसे पहले तो कंप्यूटर सील करो वहां कोई नहीं चाहिए डेटा उड़ाएगा अरे है ना नहीं तो क्या डेटा उड़ाएगा Okay, वो सबको बाज में करो कंट्रोल हो पूरा कंप्यूटर का सारा डेटा चेक करो हार्ड डिस्क निकाल के लेके चलो कि अगर डेटा उड़ा है तो भी रिकवर करेंगे समझ में आया क्या इनका स्पेशल आईटी डिपार्टमेंट है जीएसटी का और वो इतना और गवर्नमेंट आईटी डिपार्टमेंट पे इतना खर्चा कर रही है जीएसटी के सारे एक्सपर्ट बैठा के रखे उन्होंने हमें लगता है कि हम उड़ा देंगे पता कैसे चलेगा भाई वो भी क्या ऐसे ही गोलियां खा के बैठे है क्या तो यहाँ पे तो सब यहाँ ऑर्पेड कंपनी ने पूरा पूरा कंट्रोल ले लिया डेटा पे, पे सेल्स फाइल पे पूरा सीज कर लिया स्टॉक को सील करो पूरे स्टॉक को सील करो यहाँ पे कोई स्टॉक रिमूव नहीं होगा कोई यहाँ चेंज नहीं होगा बाकी वर्कर बाहर खड़े हैं क्योंकि गेट को लॉक लगाया हुआ है वर्कर को एक एक वर्कर को दो सुपरिटेंडेंट को भेजा जहां वहां पे ओके एक एक वर्कर की चेकिंग करो जाने दे उनका क्या इन्वॉल्वमेंट उनको जाने दो अरे समझ में आया क्या अब अकाउंट मैनेजर को कहा कि तुम्हारे ये तुमने टेन परसेंट में कैसे क्लासीफाई कर दिया पाँच परसेंट में कैसे क्लासीफाई कर, कर दिया तो टेन परसेंट में जाएगा अकाउंट मैनेजर ने कहा सर हमारे डायरेक्टर ने बोला समन बनाया गया समन ओके प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर इज नीडेड जाओ डायरेक्टर को बुला के लाओ अरे यार समझ में आया क्या डायरेक्टर को बुला के लाओ नाउ सर डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है भाई साहब समन दे रहा हो विद इन हाफ और जहां पे भी आपके डायरेक्टर हुए हो मेरे सामने प्रेजेंट चाहिए अरे यस और नो मजाक समझ के रखा गया तो यहां पे जो भी ये डायरेक्टर डायरेक्टर ने कहा सर ये बड़े कैलकुलेटर पॉकेट कैलकुलेटर है डायरेक्टर कॉन्फिडेंट बंदा था डायरेक्टर बैठा सर बड़े कैलकुलेटर जो है पॉकेट कैलकुलेटर है उाउ हाउ यू आर क्लासीफाइंग दिस कैलकुलेटर एज ए पॉकेट कैलकुलेटर मिस्टर डायरेक्टर अरे है ना ये पांच परसेंट मेंसेंट में जाएगा जो आपको करना है वो कर लो आपको जो भी मेरे अगेंस्ट में एक्शन लेनी कर लो मैं तो फाइव परसेंट में दूंगा ठीक है सारे रिकॉर्ड सीज करके लोड करके चलो स्टॉक हम जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक ये स्टॉक यहाँ से रिमोव नहीं होगा समझ में आया क्या ओके सारे फैक्ट्री को सील लगा दो और फैक्ट्री का ऑपरेशन चालू नहीं हो जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे ये समझा या नहीं समझा सब लेके चले गए। रिकॉर्ड सीज कर लिए स्टॉक सीज कर लिया फैक्ट्री को लॉक लगा दिया फिर डायरेक्टर ढूंढ रहा है कि यार कोई एक्साइज का अच्छा कंसल्टेंट मिल जाएज का अच्छा कंसल्टेंट मिल जाए वो सर्च कर रहा है उसको एक अच्छा कंसल्टेंट दिखा एक्साइज का ये जो ये केस में बचा है ओके तब तक इधर ऑफिसर ने ऑफिसर ने इधर उसके अगेंस्ट में कॉज नोटिस तैयार कर दी शो कॉज नोटिस कारणे दाखवा रीजन बताओ अरे है ना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग ये तुम्हारे राइट्स है हाँ तो अब तो अब यहां पे शो कॉज नोटिस ऑरपैड कंपनी सब्जेक्ट शो कॉज नोटिस शो कॉज वाई नॉट टू क्लासिफाई योर कैलकुलेटर अदर देन सॉरी बिग कैलकुलेटर एज अदर देन पॉकेट कैलकुलेटर एट द रेट टेन परसेंट शो कॉज वाई नॉट टू पे डिफरेंशियल ड्यूटी ऑफ लास्ट फाइव ऑफ लास्ट फाइव इर्स अमाउंट लास्ट फाइव ईयर का डिफरेंस आर हुआ अरे शो कॉस वाई नॉट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन दिस डिफरेंशियल अमाउंट सिंस लास्ट फाइव ईयर शो कॉस वाई नॉट टू इंपोज हंड्रेड परसेंट पेनाल्टी ऑफ टैक्स इवेडेड कितना इवेड किया था सिक्सटी करोड़ पेनाल्टी सिक्स करोड़ अरे है ना पेनाल्टी सिक्स करोड़ शो कॉस ट युड्स जो आपके गुड्स हम सीज करके आए थे उसको जब्त करके कॉन्फिस्केशन मतलब ओनरशिप गवर्नमेंट क्यों ना ले, ले समझ में आ रहा है मतलब गवर्नमेंट उसको लेके क्यों ना जाए नॉट टू अरेस्ट यू अरे है ना मतलब क्या इंप्रेजनमेंट तुमको जेल में क्यों नहीं डाला जाए मतलब भाई साहब शोकॉज नोटिस में बारह थे पूरी सबसे पहले मांगा टैक्स दूल्हा, ठीक है टैक्स भी गियो इंटरेस्ट भी गियो पेनाल्टी भी गुड्स भी गियो और मैं भी अरे समझा है नहीं समझा और सिर्फ अभी का नहीं मांगा इसलिए पांच साल का मांगा इसलिए कोई भी टैक्स पेयर को यहां पे, अभी जीएसटी में तो उन्होंने सेवेंटी टू कर दिया ठीक है 72 मंथ्स मतलब छह साल कर दिया साल कर दिया छह साल तक डर रहता है कोई भी टैक्स पेयर को फ्रॉड किया तो साल के बाद बिंदास हो जाओ अब भगवान भी नहीं पकड़ सकता समझ में आया क्या तो यहां तक है छह साल तक का नोटिस पीछे आ सकता है आपको तो ये सब नोटिस आ गया लगभग 60 करोड़ का टैक्स 60 करोड़ की पेनल्टी 120 प्लस 10 करोड़ का इंटरेस्ट 130 प्लस गुड्स भी लेके जा रहे हैं प्लस तो यहां जब कॉज नोटिस आई और ये कॉज नोटिस यहां पे सुनो जब ये कॉज नोटिस आई डायरेक्टर ने पढ़ी बड़ा कॉन्फिडेंट था बंदा ऑफिसर को बोल रहा था कि जो करना है कर लो लो कर लिया ऑफिसर ने है ना लो कर लिया ऑफिसर ने डर गया यहाँ पे 120 करोड़ तो कैश में मांगे बाकी गुड्स भी लेके जाएंगे और मेरे को भी लेके जाएंगे वो अच्छा कंसल्टेंट ढूंढ रहा है कोई उसको बचा ले तो उसको यहां पे अब कुछ अब दिख रहा है कोई अच्छा कंसल्टेंट एक नाम मिला एक अब आप बोल ही रहे तो नाम मेरा ही ले लो तो ठीक है अब <laughs> <laughs> आप, आप बोल ही रहे तो ले लेते तो भाई वो उसने समझ लो वो मेरे पास आया इमेजिन करो वो बैठ ओके इधर वो बैठा है इधर मैं बैठा हूं उसने कहा सर तो ये और पेट कंपनी का डायरेक्टर है सर ये नोटिस आई है यहाँ पे मैंने नोटिस पढ़ा बिग कैलकुलेटर अच्छा तो उन्होंने नोटिस भेजा बिग कैलकुलेटर क्लासीफाई किया टेन परसेंट में और आपने फाइव परसेंट में तो डायरेक्टर ने कहा हाँ सर फाइव परसेंट में किया किसने एडवाइस दिया था आपको ये फाइव फाइव में आप किसी से भी एडवाइस लोगों से क्यों नहीं लेते हो आप एडवाइस हाँ तो, तो जहाँ तक है तो अब यहाँ टेन परसेंट वेरी डिफिकल्ट कैशन तो डायरेक्टर ने कहा वेरी डिफिकल्ट डायरेक्टर ने कहा सर अब आपका ही नाम सुना है ओके okay, कैसे बचाओ मेरे को कैसे करना वेरी डिफिकल्ट बट वी कैन ट्राई वी कैन ट्राई डायरेक्टर ने कहा सर आप जो फीस बोलोगे देगा ब्लैंक चेक दे रहा हो डेफिनेटली ट्राई वी विल डेफिनेटली ट्राई तो ऐसे केस में मैंने कहा फीस का ठीक है वो तो आप आए हो तो समझ के आए होगे तो <laughs> तो आए हो तो समझ के आए होगे फीस का तो ठीक है तो मैंने कहा कि यहाँ ठीक है चलो कोशिश करते कोशिश करते फिर वो केस मैंने पढ़ी पूरा मैंने नेक्स्ट डे फैक्ट्री विजिट किया पूरा ऑपरेशन देखा अरे है ना केस को पूरा समझ के देखा एंड देन परेशान था सोच रहा था कि कैसे मैं रिप्रेजेंट करूँ अभी बताओ एक्शन ले लिया है या शो कॉज पूछा है अभी मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा कारण बताऊंगा कि मैं कैसे सही हूं अब देखते हैं क्या होता है तो शो कॉज पूछा उन्होंने तो मैंने ईमेल डाल दिया कि सर मुझे हियरिंग दो हिंग अब ये हिरिंग कोर्ट की हेरिंग है या ऑफिसर के, के? के सामने की ऑफिसर के सामने की हेरिंग है आपने शो कॉज पर्टिकुलर नोटिस यूर इशूड नोटिस नंबर इनकम टैक्स में मतलब, जिसमें ऑफिसर का फेस नहीं दिखता है पर वो आपसे बात करता है अच्छा येस और नो ओके जीएसटी में अभी फेसलेस नहीं है अभी आप डायरेक्टली ऑफिसर से फिलहाल तो बात कर सकते हो ओके okay, तो अब यहाँ पे हियरिंग uh, मिली पर मैं बड़ा सोच में था क्या प्रेजेंट करूँ किस तरह से दिख तो रहा है यार कि ये पॉकेट कैलकुलेटर नहीं है बड़ा कैलकुलेटर है सोचते सोचते मैंने मेरे वाइफ को आवाज दिया कि किशोक चाय बना और चाय पी रहा हो कुछ पर आ, अब बस ना बेटा अभी चाय यहां तक इतना बोल दिया अब जाना ही चाय वाला ही जहां तक है, है, है पहले वाला चाय बना तो चाय पिया मैं देख रहा हूँ रात को बारह साढ़े बारह बज गए सोच रहा हूँ सुबह बैच है पर सोचना तो पड़ेगा ठीक है सोचना तो पड़ेगा आइडिया क्लिक हुई मैंने रात को साढ़े बारह बजे डायरेक्टर को कॉल किया मुझे बताओ कल मैं मॉर्निंग में आ रहा हूँ फैक्ट्री में एक काम हो सकता है डायरेक्टर कहा जाओ मैं फैक्ट्री में गया मैंने कहा मुझे कोई एक, एक ऐसा एम्प्लॉय दो जो आपका खास है तो उसने बुलाया समझ लो चलो नाम लेते श्री श्रीधरा ओके श्रीधरा मैंने कहा कि यहां पे आप इसको एक ब्लेजर सिलवा के दो डायरेक्टर को बोला श्री खुश श्री खुश एक ब्लेजर सिलवा के मिल रहा है श्री खुश तो यहां आप इसको ब्लेजर सिलवा के दो तो डायरेक्टर ना क्यों मैं बोल रहा हूं उतना करो और ब्लेजर में पॉकेट थोड़ा बड़ा रखना ब्लेजर में पॉकेट थोड़ा बड़ा रखना और इस तरह से स्टिच करना कि ये जो है वो इजीली जा सके समझ में क्या ये जो है वो इजीली जा सके डायरेक्टर को समझानी वो कर, पर ऐसा क्यों जितना कहा उतना सुनो जितना कहा उतना सुनो बाकी मैं संभालता हूं तो अब हेरिंग के लिए जिस दिन हियरिंग था मैंने ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया मैंने कहा ऑफिसर अगर आप फैक्ट्री में आ सकते हियरिंग के लिए तो ज्यादा बेटर ऑफिसर ने कहा ठीक है मैं वहां जाता हूँ फैक्ट्री में यू हैव टू शो कॉज व्हाई वी शुड नॉट टेक द एक्शन समझ में आया क्या सो so, इमेजिन करना अब केस चालू हो गई कोर्ट में नहीं ऑफिसर के सामने मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डायरेक्टर देख रहा है और इधर ऑफिसर शे नहीं शे अभी आने का है इधर ऑफिसर तो ऑफिसर ने कहा यस विशाल सर आपने केस लिया है मैंने कहा हाँ सर केस मैंने लिया है तो डायरेक्टर को उसने देखा ढूंढ के कंसल्टेंट निकाला यार <laughs> तो डायरेक्टर तो फिर यस विशाल सर भाई केस कितना क्लियर है आपने लिया मैं सरप्राइज हूँ आप जो केस लेते हो बड़े सोच समझ के लेते हो समझ में आया क्या और आपने ये इतना क्लियर केस है कि ये टेन परसेंट में जाएगा ये फ्रॉड किया सीधा सीधा हमारे साथ अरे समझा नहीं समझा फ्रॉड किया हमारे साथ केस तो टेन परसेंट में जाएगा ये तो आपने लिया सरप्राइज मैंने कहा सर हाँ इसमें <laughs> सर इट्स uh, बेटर अगर हम बात करें ऑन द वर्डिंग्स ऑफ लॉ ऑफिसर ने कहा ओके ओपन बेर एक्ट ओके एक्सप्लेन द केस बताइए क्यों मैं एक्सेप्ट करू मैंने कहा सर दिस कैलकुलेटर अगेंस्ट विच यू हैव शूड द शो कॉज नोटिस इज अ पॉकेट कैलकुलेटर एंड क्लासिफाइबल अंडर एक्साइज टैरिफ 5 फाइव परसेंट ऑफिसर ने कहा विशाल <laughs> सर इज पॉकेट कैलकुलेटर कौन से एंगल से दिख रहा है आपको पॉकेट कैलकुलेटर सर सर प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आई वॉन्ट टू पुट माई अनादर कंटेंशन सर इन एक्साइज टेरिफ द वर्ड पॉकेट इन एक्साइज टेरिफ एक्ट द वर्ड पॉकेट इज नॉट डिफाइंड समझ में जस्ट देव यूज द टू टर्म्स पॉकेट कैलकुलेटर एंड ऑफिसर <laughs> अब सीरियस हो गया अभी तक तो मजाक में चलो दे पॉकेट वर्ड ऑफिसर ने कहा पॉकेट वर्ड नॉट डिफाइंड यस आई अग्री इन एक्ट दिस वर्ड इज नॉट डिफाइंड तो सो सर इफ द पॉकेट वर्ड इज नॉट डिफाइंड सो दिस कुड बी अ पॉकेट कैलकुलेटर सो ऑफिसर ने कहा हाँ श्री इधरा सर को बता कि यह कैलकुलेटर पॉकेट में कैसे जा सकता है अरे आया हाँ है ना श्री आया ब्लेजर वेजर पहन के श्री आया ब्लेजर वेजर पहन के और उसके बाद में उसने लिया कैलकुलेटर और डाला ब्लेजर में सर श्री वी कैन पुट दिस कैलकुलेटर इन अ पॉकेट द टर्म पॉकेट इज नॉट डिफाइंड एंड वी कैन पुट दिस कैलकुलेट इन द पॉकेट दैट मीन इट्स अबाउट कैलकुलेटर समझ में आया ना एंड रेड शुड बी फाइव परसेंट अब ऑफिसर जो है भाई साहब परेशान हो गया अरे uh, बट ये बड़ा कैलकुलेटर सर 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 पॉकेट ये जो वर्ड है ये पॉकेट डिफाइंड नहीं है वेर इट इज रिटर्न इट शुड बी स्मॉल इट शुड बी अग ट्वेल्व बाय ट्वेल्व सेंटीमीटर अरे है ना कहा लिखा क्या सर आपने ही बोला था बेरैक खोलो मैं बेरैक ही खोल रहा हूं अरे है ना और एक्से में एक्सप्लेन कर रहा हूं ऑफिसर तो को 130 करोड़ दिख रहे अरे हाय ना वो तो बड़ा खुश था कि मैंने नोटिस भेजा 130 करोड़ का अब मैं 130 करोड़ का पैसा गवर्नमेंट को कमा के दूंगा मुझे तो प्रमोशन मिलने वाला है अरे हाय ना पर केस तो हाथ से जा रही है उसके ऑफिसर के केस के हाथ से जा रही, सो सर दिस कैलकुलेटर इज अ पॉकेट कैलकुलेटर हेंस वॉट इज क्लासिफिकेशन डन माय क्लाइंट इन लास्ट फाइव इयर्स इज हंड्रेड परसेंट करेक्ट इट शुड नॉट बी क्लासिफाइबल अंडर टेन परसेंट इट शुड बी क्लासिफाइबल अंडर फाइव परसेंट डायरेक्टर एकदम खुश उसकी चेहरे में एकदम चमक आंखों में चमक चेहरे पे ग्लो की मजा आ गया वन थर्टी बच रहे हैं अरे ऑफिसर से इज नॉट सॉरी विशाल सर आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट यूर कंटेंशन सर वाय मेरे हिसाब से कोई भी एंगल से यह पॉकेट कैलकुलेटर नहीं है अरे सर बट ऑफिसर नहीं माना कि दिस इज अ पॉकेट कैलकुलेटर ऑफिसर ने डिमांड ऑर्डर फाइनल कर दिया कि भाई आपको इतना देना पड़ेगा और ऑर्डर भेज दी अब डायरेक्टर आया सर वो ऑफिसर तो ऑर्डर भेज रहा है हमारे साथ अनजस्टिस हुआ है यस yes, हमारे साथ अनजस्टिस हुआ है और कोई कोई जस्टिस देने वाला चाहिए तो पिक्चर में आता है जुडिशियल ऑर्गन अरे अरे पिक्चर में आता है जुडिशियल ऑर्गन आई होप यू अंडरस्टूड अगर इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो जाए या डिपार्टमेंट रेडी नहीं है तुम्हारे कंटेंशन को एक्सेप्ट करने के लिए कहीं वर्ड्स डिफाइन नहीं है एमबीग्यूएस है समझ में आया ना तो वो केस में अब रोल प्ले करता है जुडिशियल ऑर्गन तो केस जुडिशियल ऑर्गन के पास जाएगा सर केस का हुआ क्या बता हूं पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं जुडिशियल ऑर्गन का जुडिशियल ऑर्गन का स्ट्रक्चर ऐसा है बेटा हाईएस्ट कोर्ट होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे होता है हाई कोर्ट स्टेट वाइज एक हाई कोर्ट दिया जाता है कुछ स्टेट, कभी कभी दो स्टेट मिला के एक, एक हाई कोर्ट होता है जैसे हमारा महाराष्ट्र एंड गोवा समझ में आया ना एक दो स्टेट मिला के एक हाईकोर्ट होता है उसके नीचे होते हैं ट्रिब्यूनल्स हाँ अब थोड़ा ये समझ लो आपके अवेयरनेस में उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पर रेवेन्यू लॉ अगर है कौन सा रेवेन्यू लॉ है तो उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं नाम होता है ट्रिब्यूनल्स ओके जैसे आपने इनकम टैक्स में आई टी टी पढ़ा होगा आई टी टी मतलब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल वैसा जीएसटी ट्रिब्यूनल उसके नीचे और उसके नीचे होता है अपीलेट ऑथोरिटी ओके जो कमिश्नर अपील तो अगर कोई किसी के साथ अनजस्टिस हुआ है अच्छा मुझे बताओ इंडिया में कितने कोर्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट कितने है? चार है ना नालायक एक, एक ही है पे है न्यू दिल्ली ऐसे नहीं होते बाजीराव रोड सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मी रोड सुप्रीम कोर्ट ठीक है एक ही है पूरे इंडिया में एट क्या न्यू दिल्ली स्टेट वाइज हाई कोर्ट होते हैं ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल आपके जैसे जहां इंडस्ट्रियल एरिया है वहां एक हो, जैसे पुणे पुणे में में दिया दिया है है मुंबई में दिया है नागपुर में दिया है, है, है ट्रिब्यूनल ये ना ट्रिब्यूनल और उसके नीचे होता है अपीलेट ऑथोरिटी ये सब अपील जिसके पास हम अपील में जाएंगे तो पहली अपील जाती है अपीलेट ऑथोरिटी के पास समझ में आया क्या उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो सेकेंड अपील जाती है ट्रिब्यूनल के पास उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो किसके पास जाती है हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के को। हाई कोर्ट से जाती है सुप्रीम ये समझ में आया तो अब और हमारा लॉ कहता है सुनो ध्यान से हमारा लॉ कहता है कि डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इज इज बाइंडिंग मतलब इट्स अ लॉ इट्स अ लॉ पर डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट चलो अब मैं हॉरपेड पे आता हूं तो हॉरपेड का क्या हुआ केस सुप्रीम कोर्ट तक गई समझ में आया केस सुप्रीम कोर्ट तक गई सुप्रीम कोर्ट में यह डिसाइड हो रहा है इमेजिन करना जज के सामने कि दिस कैलकुलेटर इज पॉकेट कैलकुलेटर और नॉट ठीक है तो दोनों ने अपने कंटेंशन रखे जैसे ये है कि पॉकेट वर्ड इज नॉट डिफाइंड तो कोर्ट भी एग्री हुआ कि हाँ पॉकेट वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट इसलिए कोर्ट ने फिर यहां पे यूज किया ओके okay, एक प्रिंसिपल होता है इंटरप्रिटेशन का ओके okay, और पब्लिक पे ट्रेड ट्रेड मतलब इस टाइप के कैलकुलेटर को पब्लिक में ट्रेड में क्या देखा जाता है समझ में आया क्या तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर जो कैलकुलेटर्स के थे उनसे एफिडेविट्स लिए कि आप ऐसे बड़े कैलकुलेटर को जनरल प्रैक्टिस में जनरल ट्रेड में क्या बोलते हो तो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया कि ऐसे कैलकुलेटर को हम पॉकेट कैलकुलेटर नहीं बोलते समझ में आया क्या तो सुप्रीम कोर्ट ने ओके ट्रेड पे डिसीजन दिया इंटेंशन ऑफ लॉ जो है उस एक पार्लेंस पे जजमेंट दिया कि ये कैलकुलेटर पॉकेट कैलकुलेटर बोला नहीं जाएगा नहीं जाएगा अब देखो एज अ कंसल्टेंट यहाँ रोल नहीं खत्म होता है अरे यार हम तो केस हार रहे हैं ट्रेड पे हाउ इट इज नोन टू द ट्रेड हाउ इट इज नोन टू द पब्लिक लेकिन फिर यहां पे कंसल्टेंट ने अपना सेकेंड पॉइंट रखा ओके माई लॉर्ड if you say this is not a pocket calculator we agree and we are ready to pay differential duty of 60 crores <laughs> <laughs> 60 crores but my lord, my contention here don't charge interest and penalty to us <laughs> because normally 100 percent penalty is payable in a case where we have done the fraud so my lord in this case we have not done any fraud why because the term pocket is not defined तो डिफरेंट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन वहां हो सकते हैं अरे आए ना डिफरेंट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं सो लॉर्ड इफ ओके दैट इज द एरिया ऑफ एम्बीग्यूटी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देन हाउ कैन डिपार्टमेंट से वी हैव डन द फ्रॉड एंड सब्जेक्ट टू पेनोल्टी सो माइलॉर्ड इट आई अर्ज टू दिस कोर्ट ओके प्लीज पेनोल्टी एंड इंटरेस्ट इन माई क्लाइंट केस सुप्रीम कोर्ट अग्रीड सुप्रीम कोर्ट अग्रीड कि भाई ये पहला क्या डिसीजन आया कि ये पॉकेट कैलकुलेटर नहीं है इसलिए डिफरेंशियल टैक्स तो देना पड़ेगा जहां तक इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां पे और पेनो पेनॉल्टी तो वेव कर दी इंटरेस्ट उन्होंने पार्टली वेव किया था पार्टली वेव किया, पार्ट किया था बट इन मुझे पूरे केस समझाने में मैंने सिर्फ आपको इतना पार्ट नहीं समझाया मैंने पूरी प्रोसेस बताया कि पूरा कैसा होता है लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है ये समझ में आया क्या बहुत सारी बातें आपके अवेयरनेस में डाली जो लॉ को समझने के लिए जरूरी होती है तो इस तरह से बेटा ओके हमारा तीसरा ऑर्गन कौन सा ऑर्गन था जुडिशियल ऑर्गन वो यहां खत्म होता है चलो हिरार की लिख लो कोर्ट के नीचे लिखो सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे लिखो हाई कोर्ट उसके नीचे लिखो ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल और लास्ट में क्या अपीलेट ऑथॉरिटी ये हिरार की होती है डन ओके okay. तो यहां पे शायद हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है वो तो समरी रिवीजन है एमसीक्यू क्वेश्चन पे आओ फटाफट हाँ दो मिनट बाद ब्रेक लेते दो, दो मिनट ही लगेगा उससे ज्यादा नहीं जस्ट तुमको वैसे तो एमसीक्यू में आपके लॉग इन में दूंगा अपडेट करके ओके okay, पर जस्ट एमसीक्यू आते कैसे उसका एक झलक सारे चैप्टर के <coughs> मुझे बताओ आंसर मत देखना व्हाट काइंड ऑफ टैक्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर वाह क्या बात है इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है सेकंड व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई आंसर मत देखना

GST levied on which of the following? Sale, manufacture, provision or supply? Supply. When did the GST Act come into force? Which of the taxes out of the purview of GST? Properties tax, stamp duty, additional duty of customs, excise duty of alcohol, entertainment tax by local body or only ACD? ACD. हां ये ये जो है जीएसटी में अभी हाँ एडिशनल ड्यूटी तो मर्ज होगी उसका नाम आई हो गया बेसिक नहीं हुआ ओके okay, तो ए सी डी रहेगा बराबर है उसके बाद में व्हाट काइंड ऑफ टैक्सेस इज जीएसटी एस कॉल्ड एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स विल नॉट बी कॉल्ड अंडर जीएसटी एक्ट लिकर पेट्रोल ऑल अब अब कुकिंग गैस क्या है बी एंड सी रहेगा ना लिकर एंड पेट्रोल सी रहेगा उसके बाद में विश ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मोटिव ऑफ गवर्नमेंट बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू टू रिप्लेस ऑल टैक्सेस ऑल ऑफ अब ऑल ऑफ अब ओके व्हाट इज द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स टैक्स इंपोज ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंपोर्ट ऑन वैल्यू एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट टैक्स इंपोज ऑन इंटरस्टेट ट्रेड एंड टैक्स ऑन इंटरनेशनल से एंड सिं इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इंटरस्टेट बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई विल बी क्लासिफाइड एज ए इंटर स्टेट सप्लाई विद इन सेद इन सेम यूटी सप्लाई बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट और यूटी टू डिफरेंट स्टेट एंड यूटी सी आपको याद है एलओ एस एंड पीओ एस फ्रॉम द फॉलोइंग हु बी द मेम्बर ऑफ जीएसटी काउंसिल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट या वन थ्री वन टू टू थ्री या ऑल अब वन एंड टू चीफ मिनिस्टर नहीं होते है. समझ में आ रहा है स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और रेवेन्यू वो होते हैं उसके बाद में हु हुउंस द विल बी कंसिडर एज ए चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म बाय जीएसटी तो अभी तो ऑल ऑफ कर दो क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको ऑल ऑफ अब वॉट ड्यूएल जीएसटी कॉन्सेप्ट मीन चार्जिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी का सीजीएसटी का आईटीसी पहले सीजीएसटी देन आईजीएसटी आईजीएसटी आईटीसी ऑफ एसजीएसटी कैन बी यूटिलाइज फॉर फर्स्ट एच एंड देन आईजीएसटी आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कैन बी यूटिलाइज फॉर फर्स्ट आई जी एस टी एंड सीजीएसटी और एस जी एस टी कल कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया था कल स्टूडेंट ने जब मैंने वर्क दिया था तो आई जी एस टी का पचास हजार आईजीएसटी तो में पूरा, पूरा यूज करना पड़ता है और फिर बैलेंस होगा तो बिटवीन सीजीएसटी और एसजीएसटी क्लासीफाई करना पड़ता है इन दिस वे वीव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जीएसटी लेते हैं दस मिनट का ब्रेक कंटिन्यू करते हैं दस मिनट बाद चलिए ठीक है ठीक है एक कल ब्रेक में देखा है टकले तू स्लाइड टक का

इंटरनेशनल ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गुड्स इंडिया में आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में गुड्स नहीं आ रहे तुम ब्रोकर का काम कर रहे हो ठीक है स्पेशल कैटेगरी ऑफ बाद में वो कुछ पांच कंडीशंस पे फोर्टी लैक्स कौन दे बक्त नहीं नहीं रे ये दे देगा में देता है

Okei, okay. mae'n chestau <laughs> Het is niet meer goed als कोण ए बंद कर हेलो वेल सो यहां पे कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस है सर हम क्लाइंट को सुप्रीम कोर्ट तक डिफेंड कर सकते हैं क्या एज अ सी ए सी एम सी एस हम सिर्फ ट्रिब्यूनल तक डिफेंड कर सकते हैं अगर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपको डिफेंड करना है तो यू मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ लॉ <coughs> सर रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो कब तक अपलोड हो जाएंगे कल तक के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो चुके हैं ही क्यों शो हो रहे बेटा अभी तो यूट्यूब पे है पर मैं अभी चेक कर लेता हूं कि यहाँ पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर है मैं चेक कर लेता हूँ आज आज तक के सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाने चाहिए और मेरे नॉलेज में जो मुझे रिपोर्टिंग है कल तक के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं क्यों दिख नहीं रही है मुझे देखना पड़ेगा सर आरपेट के, के केस में कितनी फीस चार्ज की होगी कंसल्टेंट ने कम से कम दो करोड़ ठीक है <laughs> सर माजा एक्टिवेशन कोड अजून पर्यंत नॉट एक्जिस्ट दाखवत है ओके तो आज के एंडिंग में लास्ट ट्वेंटी मिनट्स में आपका ऑर्डर आईडी दे देना सतीश को कॉल करना आखिरी दस मिनट टीम कनेक्टेड रहो बोलना यूट्यूब पे ठीक है ऑर्डर आई डी ऑर्डर आईडी और आपका प्रीफरेबल टाइम डाल दो आखिरी के ट्वेंटी मिनट्स जिसको भी सॉफ्टवेयर सेटअप करवाना है जो भी है आपका प्रीफरेबल टाइम और ऑर्डर आई डी दोनों भी सर एग्जाम में एमसीक्यू के दो ऑप्शन टिक के लिए अवेलेबल होते हैं क्या दोनों एक ही होता है और वो एक ऑप्शन में आपको दोनों आंसर्स मिल जाते हैं चलिए चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू चैप्टर टू चार्ज ऑफ टैक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी लॉ और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सी जी एस टी एक्ट तो सर अभी तक तो क्या देख रहे थे पूरा सिर्फ बैकग्राउंड देख रहे थे चलिए दोस्तों इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं मेजरली सेक्शन नाइन जो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी है और आईजीएसटी का सेक्शन फाइव थोड़ा बहुत सेक्शन सेवन और एट पर आईजीएसटी एक्ट जो है डिटेल डिस्कशन हमारा बाद में होगा यहां से हम रेफरेंस लेने वाले हैं अगर क्लास आपने इन वन मिनट साइलेंट नहीं की सेल्फ असेसमेंट कर लो नहीं तो फिर मैं स्क्रूटनी करूंगा पहला चांस आपका मेरे क्लास के हर स्टूडेंट पे मैं ट्रस्ट रखता हूं सेल्फ असेसमेंट करो और क्लास को जितना शांत रख सकते हो हां रखो अगर आपने सेल्फ असेसमेंट में धोखा किया तो फिर मैं बारात लेके आऊंगा ठीक है प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन तो अब ऐसे केस में आपको याद होगा तो मैंने ये कहा था कोई भी इकोनॉमिकल लॉ तीन स्टेजेस में कैरी होता है एक होता है लेवी दूसरा होता है असेसमेंट लास्ट टाइम आई सेड प्लीज कीप साइलेंस कोई भी इकोनॉमिकल लॉ तीन स्टेजेस में कैरी होता है लेवी असेसमेंट एंड कलेक्शन ठीक है लेवी मीन्स क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी असेसमेंट मीन्स क्वांटिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी क्वांटिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी एंड कलेक्शन मीन्स पेमेंट टू द गवमेंट आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो हम जीएसटी लॉ भी ऐसा ही पढ़ेंगे तीन स्टेजेस में पढ़ेंगे आपने इनकम टैक्स बिल्कुल ऐसा ही पढ़ा पहले आपने समझा इनकम्स क्या होती है लेवी किस पर है अच्छा लेवी पर्सन पे होती है इवेंट्स पे होती है इवेंट्स पे होती है जो पर्सन उसे टच करता है वो लायबल होता है ठीक है तो जीएसटी में कौन सा ऐसा इवेंट है जहां करंट लगेगा देखेंगे देखेंगे एज पर लॉ देखेंगे वैसे तो आप सही बोल रहे हो क्या सप्लाई पर कौन सा ऐसा इवेंट है कि जिसके ऊपर लाइबिलिटी आती है फिर सप्लाई होगा तो सप्लाई मतलब क्या उसका मीनिंग देखेंगे फिर उसको करेंगे, फिर उसका पेमेंट होगा तो जीएसटी लॉबी पूरा मैं जो है यहां पे डिस्कस करने वाला हूं वो एज पर सारे सेक्शंस जो हमें हैं और ये तीन स्टेजेस में डिवाइड करूंगा चलो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स एक्ट 2017 ठीक है जिसमें सेक्शंस होते हैं सबसेक्शन होते हैं ये आपको पढ़ाया हुआ है क्लॉज सब क्लॉज प्रोविजो होती है ये सब पढ़ाया हुआ है इसलिए यहां पे हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे ओके सेक्शन वन स्टार्ट होने जा रहा है सीजीएसटी एक्ट 1 जुलाई 2017 को पास हो गया और मैं आपके सामने आप ये एक्ट प्रेजेंट कर रहा हूं जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया वो आप तक स... आपको समझा रहा हो आप तक पहुंचा रहा हो पूरे डिस्कशन में यही ध्यान रखना कि मैं गवर्नमेंट का मैसेज हूं जो गवर्नमेंट का लॉ आप तक पहुंचा रहा हो तो आप कहोगे हमें क्या फायदा ये जो फीस वाला फायदा है अरे है ना जितना लॉ को समझोगे उतनी तो ज्यादा कैपेसिटी रहेगी आपकी फीस लेने की ठीक है तो टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट टाइटल एक्ट में बी कॉल्ड एज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन थैंक यू ठीक है उन्होंने कह दिया इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया वहां लिखना है तो लिख देना इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ओके लिखना है तो लिख देना इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जे एंड के अब ऐसा नहीं हो सकता है कि जे एंड के को बाहर रखेंगे थ्री सेवेंटी हटा दिया है अरे है ना इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर कमेंट भाई साहब बताओ कब कमेंट हुआ था 2017, है, और में है, पर मैं सारी एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा जो जो चैप्टर में जैसे जैसे वर्ड्स के रिलेवेंस हो गए वैसे वैसे वर्ड्स को मैं डिफाइन करूंगा और कौन सी डेफिनेशन आपको लर्न करके जाना है वो बताऊंगा जब हमारा जीएसटी लॉ खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक लिस्ट बना दूंगा कौन से सेक्शंस आपको लर्न करके जाने हैं अरे है ना तो वो आपको छोड़ के जाना है अभी तो फ्लो कंटिन्यू रखते हैं ओके और बिल्कुल ये टेंशन मत लो कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और लिखना कैसे है मैं स्पेशल प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी सिर्फ समझो बाकी मेरे पे छोड़ो मैं बैठा हूं यस और नो ठीक है सबसे पहले तो लेते हैं डेफिनेशन क्या इंडिया क्यों सर ये डेफिनेशन क्यों कह रहे हैं क्योंकि भाई सेक्शन वन ने कह दिया पूरे इंडिया को लागू है ये लॉ पूरे इंडिया को लॉ इससे बात तो एक होगी कि इंडिया के बाहर ये लॉ लागू नहीं है मतलब कई टाटा मोटर्स की एक फैक्ट्री चाइना में है और चाइना में वो गुड्स बनाती है और बेचती है हो सकता है वो इंडियन कंपनी हो लेकिन चाइना में फैक्ट्री है तो वहां जो सेल होगा उसके ऊपर जीएसटी इंडिया में नहीं लगेगा समझ में आएगा क्यों क्योंकि ये एक्ट इंडिया के बाहर लागू नहीं होता है आई होप यू अंडरस्टूड नाउ वॉट डू मीन बाय इंडिया इंडिया ने क्या उसकी डेफिनेशन दी गई है अब इंडिया की डेफिनेशन आपने इनकम टैक्स में पढ़ी होगी लगभग वैसी डेफिनेशन जो है जीएसटी में ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया means, 1 मतलब हिंदी में लिखना होगा तो जमीन ओके जो इंडिया की टेरिटरी है अरे समझ में आया ना ओके टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर्ड इन आर्टिकल वन जिसमें सारी यूनियन टेरिटरी आती है कल ही मैंने पढ़ाया था ओके okay, सारे स्टेट यूनियन है सारे स्टेट यूटी है सारे स्टेट सबकी अपनी टेरिटरी है सबकी अपनी टेरिटरी है और ये सारे स्टेट की यूनियन टेरिटरी को बोला जाता है इंडिया हां जो स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है उसका नाम पड़ जाता है फिर स्टेट आई होप यू अंडरस्टूड नाउ अब आगे क्या कहते देखो ये टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटर वाटर, सी बेड सब सॉइल अंडरलाइंग द सच वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन एंड एनी अटर वाटर शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन अदर माइटम जोन एक्ट ठीक है यानी ये बात करता है पानी कितना पानी इंडिया में माना जाएगा जमीन पानी और तीसरा तीसरा एयर स्पेस यानी क्या आसमान यानी तीनों वे में इंडिया को डिफाइन किया कितना जमीन कितना पानी और कितना आसमान विद इन इंडिया माना जाएगा चलिए अब समझाता हूं ये पिक्चर है ये जो टेरिटरी है आपकी अब ठीक है मैंने पिक्चर में वन साइड लिए तो ये मत समझना कि अब बाकी का इंडिया नहीं है समझ में तो ये जो पिक्चर है ये आपका हुआ टेरिटरी जमीन अरे समझ में आया ना फिर वो गुजरात की हो महाराष्ट्र की हो गोवा की हो समझ में आया? राजस्थान में सीशोर है क्या ठीक है पर राजस्थान की भी टेरिटरी है ओके तो जहां तक देखा जाए तो टेरिटरी ऑफ इंडिया अब सेकंड इसमें पानी कितना लेना इंडिया में ओके तो वो कहते वर्डिंग को कैच करना इट्स टेरिटोरियल वाटर। क्या कहा इट्स इट्स मतलब किसका इंडिया, इंडिया की जो टेरिटरी है उसका टेरिटोरियल वाटर समझ में आया ना तो वो टेरिटरी से कनेक्टेड टेरिटोरियल वाटर अब टेरिटोरियल वाटर की डेफिनेशन जो है वो कवर करता है ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स ओके और साइड में लिखा है मैंने अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स है अप्रोक्सिमेटली वन नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1.85 ये समझ में आया क्या वन नॉटिकल माइल इक्वल्स टू वन पॉइंट एट मतलब किलोमीटर में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई तो बाय 12 कर लो तो इन शॉर्ट ओके टिटल वाटर तो जो है वो इंडिया माना जाएगा मतलब यहाँ पे किसी ने सर्विस दी यहाँ पे किसी ने गुड सप्लाई किया तो वो विद इन इंडिया सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा आई होप यू अंडरस्टूड उसके ऊपर जीएसटी आएगा पहले तो उन्होंने कर लिया कि इट्स टेरिटोरियल वाटर अब वो कहते हैं सीवेड सीवेड एंड मतलब इस वाटर का जो सीवेड या रहेगा, ये समझ में आया ना ओके okay, वो भी इंडिया का पार्ट माना जाएगा मतलब इन्होंने ये पानी तो कवर किया पाताल लोक भी कवर कर लिया ये पातालोक हुआ यानी पर पर ख्याल रहे वो टेरिटोरियल वाटर के नीचे का यानी ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स तक जो नीचे सी बेड है सब सब्सोल है अरे है ना वो भी इंडिया माना जाए समझ लो यहां पे कुछ एक्सट्रैक्शन हो रहा है ड्रिलिंग हो रहा है समझ में आया क्या यहां सर्विस दी जा रही है यहां पे कोई कॉलम बनाया जा रहा है ओके okay, तो यहां ड्रिल हो रहा है सब सबसॉइल है कोई कॉलम यहां पे बनाया जा रहा है और उसकी इलेक्शन इंस्टॉलेशन कंस्ट्रक्शन सर्विस दी जा रही है तो क्या वो विद इन इंडिया माना जाएगा यस yes. विद इन इंडिया माना जाएगा उसके बाद में चलो ये तीनों हो गया टेरिटोरियल वाटर सीबेड सब सोइल कॉन्टिनेंटल शेल्फ अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है देखो सी में ओके धीरे 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 जैसे आगे बढ़ते हुए स्लोप आता है और एक सडन स्लोप आके फिर फ्लैट सी बेड बन जाता है अरे समझा क्या एक सडन स्लोब आके फिर फ्लैट सी बेड बन जाता है ये जो सडन स्लोप रहता है ओके यहां पर ये कभी कभी टेरिटोरियल वाटर के अंदर होता है कभी कभी टेरिटोरियल वाटर के बाहर होता है पहले तो दिमाग में फिट कर लो कि इंडिया टेरिटोरियल वाटर तक है अरे आया ना इंडिया कहां तक है टेरिटोरियल वाटर टेरिटोरियल वाटर का पानी टेरिटोरियल वाटर का सबसॉइल टेरिटोरियल वाटर का यहां पे सीवेड़ अरे समझ में आया क्या अब वो क्या कहते हैं एक शेल्फ बनता है जहां ओके वो गहरा शेल्फ होता है गहरा स्लोप आता है और फिर फ्लैट हो जाता है सीप तो वो शेल्फ जहां पे भी बनेगा ऑन जहां पे भी बनेगा फिर वो शेल्फ टेरिटर वाटर के अंदर बने या टेरिटल वाटर के बाहर बने उतना एरिया इंडिया में माना जाएगा नहीं समझा रहा है अब देखो अगर ये शेल्फ टेरिटर वाटर के अंदर बना हुआ है अरे समझा नहीं समझा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पर कभी कभी ये शेल्फ टेरिटर वाटर के बाहर मिलते हैं तो वो जो स्लोप है

वो जो भी सर्विसेस और गुड्स जाएंगे वो विद इन इंडिया माने जाएंगे आई होप यू यूरस्टूड तो उन्होंने स्पेसिफिकली ओके कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऐड किया है उसके बाद में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो भी ऐड किया है ये एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है आपको बता दो टोटल वाटर के बाहर पहले तो फिक्स कर दो पहला थॉट इंडिया में टोटल वाटर तक ही होना चाहिए पहला थॉट इंडिया में टर्टल वाटर टर्टल वाटर का पानी सी बेड सब सॉरी समझ में आया क्या दूसरा थॉट क्या आने दो कि टोटल वाटर के बाद अगर कोई शेल्फ मिलता है शेल्फ मिलता है तो वो शेल्फ वाला पार्ट इंडिया में माना जाए पूरा नहीं पूरा नहीं ओनली वो शेल्फ वाला पैच पैच समझ में आया क्या वो इंडिया में माना जाएगा तीसरा तीसरा जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एक जोन एक यहां पे एरिया नोटिफाई होता है समझ लो ये जोन ये जोन यहां पे इधर जोन ऐसे इकोनॉमिकल जोन नोटिफाई होते हैं ये इकोनॉमिकल जोन नोटिफाई होते हैं बेस ऑन यहां मिल, मिल गया मिनरल गैसेस मिल गए अरे है हाँ ना इकोनॉमिकल रिसोर्सेस मिले समझ में आया तो इंटरनेशनल ट्रीटी ऐसी है कि कोई कंट्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक कितना बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर जोन मिलते हैं जोन मतलब जहां ऑयल गैसेस वगैरह रिसोर्सेस मिलते हैं तो वो कंट्री उस जोन को अपना डिक्लेयर कर सकती है नहीं समझा आप एक बार फिर से लॉ ये कहता इंटरनेशनल ट्रीटी कहती है कि अगर कोई कंट्री के बेसलाइन से कितना कहां तक 200 नॉटिकल माइल्स तक इकोनॉमिकल रिसोर्सेस मिलते हैं तो उस इकोनॉमिकल रिसोर्सेज की ओनरशिप किसकी होगी तो 200 सौ नोटिकल माइल तक मिले तो वो कंट्री अपना उस रिसोर्सेज पे क्लेम कर सकती है हां अगर आपके दिमाग में हो गया सर ये जोन फिर श्रीलंका के साथ ओवरलैप हुए तो पाकिस्तान के साथ ओवरलैप हुए तो अरे आए ना बांग्लादेश के साथ ओवरलैप हुए तो, तो वहां पे वहां पे अगर किसी और कंट्री के साथ ओवरलैप होते हैं तो दो कंट्री मिलकर ट्रिटी बनाएगी अगर वो ओवरलैप किसी के साथ नहीं होते हैं तो 200 हंड्रेड नोटिकल माइल तक जो भी जोन मिल जो भी ऐसे रिसोर्स मिलते हैं उसे वो अपना जोन नोटिफाई कर सकती है मुझे बताओ 12 ओके okay, यहां पे पूरा 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स इंडिया बना जाएगा या वो सिर्फ जोन माने जाएगा सिर्फ जोन इंडिया विद इन इंडिया माना जाएगा ये समझा नहीं समझा तो ऐसे केस में अगर 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स तक आपको कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नोटिफाइड होता है तो वो भी विद इन इंडिया माना जाएगा आई होप यू अंडरस्टूड तो ये था रिगार्डिंग टू यहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अदर मैरिटाइम जोन है अगर कोई और मैरिटाइम जोन डिक्लेयर किया एज डिफाइंड अंडर एक इंडिया में एक्ट है जो लंबा नाम है याद रहे तो ठीक नाम है

ये तो हुआ हमारा एक बार फिर से पहला थॉट जब भी इंडिया की डेफिनेशन लो तो पहला थॉट कहां तक आना चाहिए पहला थॉट टेरिटरी जमीन जमीन से अगर कनेक्टेड पानी होगा तो पहला थॉट टेरिटर वाटर उसके बियॉन्ड मत जाना मतलब आपका एरिया कहां तक लिया जाएगा टेरिटरल वाटर उसका सीबेड उसका सब समझ में तो बेसिकली इंडिया यहां तक ही है इसके बाद कुछ पैचेस लिए है इसके बाद कुछ पैचेस लिए कौन कौन से कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला पैच लिया और 200 हंड्रेड नोटिकल माइल्स तक कोई जोन नोटिफाई हुए हो तो वो पैच लिया है विद इन इंडिया ठीक है विद इन इंडिया अब आ, आगे क्या कहते थे तो देखो एयर स्पेस अबो इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर तो ए, ओके आसमान कितना लिया देखो इंडिया के डेफिनेशन में एयर स्पेस अबो टेरिटरी मतलब ये हमारी टेरिटरी है सर yes नो no. तो इसके ऊपर का एयर स्पेस जमीन के ऊपर का एयर स्पेस और टेरिटरल वाटर के ऊपर का एयर स्पेस अबोव टेरिटोरियल वाटर समझ लो आपका एयरक्राफ्ट यहां है ठीक है एयरक्राफ्ट यहां पे इन 200 नॉटिकल माइल्स पर टेरिटरल वाटर के बियॉन्ड है तो क्या वो विद इन इंडिया माना जाएगा नहीं क्योंकि उन्होंने जो आसमान एयर स्पेस लिया वो एयर स्पेस सिर्फ अबव अबो टेरेटरी एंड अब वाटर लिया ओवर ओके तो यह था डेफिनेशन ऑफ इंडिया चलो दूसरा यूनियन टेरेटरी बताओ कौन कौन सी यूनियन टेरेटरी वो था तो आपके अंदमान निकोबार लक्षद्वीप दमनदीव दादरा नगर हवेली लद्दाख ओके okay. उसके बाद में चंडीगढ़ और एनी अदर टेरिटरी नोटिफाइड बाय क्या गवर्नमेंट फिलहाल दूसरी तो कोई नोटिफाइड नहीं है पर फ्यूचर में नोटिफाइड हुई जैसा लद्दाख अभी चार साल पहले हुई और तीन साल पहले हुई थी अरे यस और नो तो अदर कोई ऐसी टेरिटरी जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी तो उसे यूनियन टेरिटरी माना जाएगा डेफिनेशन इज ओवर यहाँ पे अब आते हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सी एंड क्या आई सेक्शन नाइन सर सेक्शन टू डेफिनेशन डेफिनेशन मैंने बता दिया वहां वहां पढ़ा होगा जहां जहां उसका रेफरेंस आएगा अरे यस और नो लेकिन अब सेक्शन थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री से लेके सिक्स तक आपके सिलेबस में नहीं है समझ में आया क्या लिखना है तो लिख दो सेक्शन थ्री से लेके सिक्स तक आपके सिलेबस में नहीं है ठीक है हा सेक्शन सेवन और एट लिखना है लिख देना चैप्टर नंबर थ्री में कवर करेंगे सेक्शन सेवन और एट चैप्टर नंबर थ्री में करेंगे मैं सबसे पहले अटैक कर रहा हूं सेक्शन नाइन जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है लेवी का सेक्शन है डन तो अब आते हैं हम सेक्शन में एक बार फिर से सेक्शन अगर आपको लर्न करना है तो सेक्शन वन टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट सेक्शन टू क्या है डेफिनेशन टाइम टू टाइम डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन थ्री से लेके 6 तक आपके सिलेबस में है? नहीं है वो है पावर ऑफ ऑफिसर ऑफिसर की वैसे हिरार की मैंने आपको बता दी है बताओ क्या हिरार की प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर चीफ कमिश्नर और उसके पावर्स और उसकी पावर्स वो तो मैंने जनरल पढ़ा दिया आपको हाँ सेवन एट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अभी हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे सेक्शन नाइन ठीक है चार्जिंग सेक्शन अगर हम सी जी एस टी एक्ट पढ़े तो सेक्शन नाइन और आई जी एस टी एक्ट पढ़े तो सेक्शन फाइव सेक्शन फाइव देखो लेवी ऑफ सीजीएसटी सीजीएसटी अप्लीकेबल टू अंडरलाइन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज इस सप्लाईज को ऐसा हाईलाइट करना ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेस एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अभी तक तो कुछ नया दिख नहीं रहा है सिंपल है कि सीजीएसटी किसके ऊपर लगता है इंट्रास्टेट सप्लाईज पे ऑफ गुड्स और सर्विसेस एक्सेप्ट अल्कोहल क्यों अल्कोहल को बाहर रखा क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि अल्कोहल पे मत लगाना तो इनको भी एक्ट बनाते वक्त ये जरूरी हो गया कि अल्कोहल को छोड़ना पड़ा ये समझ में आया ना तो ऑल इंट्रास्टेड एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्शन सेकेंड टैक्स इज कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्सेबल टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब मैनर एंड वैल्यू ऑफ सी वैल्यू को ऐसा बॉक्स करना ट्रांजेक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन फिफ्टीन ऑफ द सी जी एस टी एक्ट विच इज डिस्कस इन डिटेल इनदर चैप्टर तो वैल्यू जो होगी उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू एस पर क्या होगी सेक्शन फिफ्टीन ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर ऐसे कुछ आइटम्स जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा एक 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 पॉइंट यहां प्रिंट में नहीं आया आप ऐड कर दो एक पॉइंट प्रिंट में नहीं आया आप ऐड कर दो यहां पे मैक्स मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी इज ट्वेंटी परसेंट मैक्सिमम रेट ऑफ एक ऐड कर दो ये जो पहला है ना लेवी ऑफ सीजीएसटी इसमें एक पॉइंट ऐड करो लिखो वहां पे मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी वो अलाइनमेंट में नीचे चले गया प्रिंट होते वक्त नहीं आया मैक्सिमम रेट ऑफ सी जी एस टी इज क्या ट्वेंटी परसेंट ये बताओ ये एक्चुअल रेट है या मैक्स रेट है सी जी एस टी का अभी मैक्स रेट फोर्टीन है और एस जी एस टी का फोर्टीन है मैक्स रेट पर ये सेक्शन पावर देता है कि जीएसटी के रिकमेंडेशन पे फ्यूचर में अभी नहीं फ्यूचर में मैक्स टू मैक्स सीजीएसटी का रेट कितना आ सकता है ट्वेंटी आ सकता है और एस जीएसटी का कितना आ सकता है ट्वेंटी आ सकता है ठीक है चलो अब यहां पे नेक्स्ट नीचे आ जाओ आइटम्स विच डेफर्ड सीजीएसटी एसजीएसटी लेवी सीजीएसटी और आईजीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ सर्टन आइटम्स पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजे कुछ याद आया क्या? Section 9 to, इसके ऊपर अभी तक CGST, CGST की लेवी नहीं है. पर कब आएगी जब रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल चलो एक एनालिटिकल टेबल फटाफट मेरे साथ यहाँ पे अल्कोहलिक लीक फॉर ह्यूमन कंजम्पन कल जिसने आपने चार्ट ड्रॉ किया होगा फटाफट समझ जाएगा. क्या जीएसटी लगेगा क्या एक्साइज लगेगा यस yes. पर कौन सा सेंट्रल या स्टेट यस yes, लिखो स्टेट एक्साइज स्टेट लगेगा स्टेट एक्साइज क्या वैट और सीएसटी लगेगा यस यस वैट और सीएसटी लगेगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बताओ क्या जीएसटी लगेगा नहीं क्या एक्साइज लगेगा हां पर कौन सा सेंट्रल सेंट्रल वैट और सीएसटी यस वैट और सीएसटी ठीक है उसके बाद में टोबैको टोबैको वेरी इंपॉर्टेंट है टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट जीएसटी यस और एक्साइज में सेंट्रल एक्साइज वैट नहीं लगेगा सीएसटी नहीं लगेगा ओपीएम इंडियन हेम अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स जीएसटी यस स्टेट एक्साइज और बाकी ऑल अदर गुड्स बाकी सारे गुड्स पे जीएसटी ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा बाकी सारे गुड्स पे जीएसटी लगेगा बाकी और कुछ नहीं लगेगा सारी चीजें पढ़ा दिया है सिर्फ एक का स्टार्टिंग है इसलिए अरेंज करना है मेरे को ठीक है ना अब एक कॉन्सेप्ट है सेक्शन नाइन थ्री नाइन थ्री कहता है रिवर्स चार्ज ऑन स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेस अंडरलाइन करो स्पेसिफाइड गुड्स और services reverse चार्ज ठीक है और ये डिटेल डिस्कस करेंगे हम चैप्टर नंबर फोर चलिए थोड़ा इधर ध्यान दीजिए रिवर्स चार्ज इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टेन मिनट्स में सबका अटेंशन चाहूंगा यस यहां पे नॉर्मली <clears throat> समझ लो ये सप्लायर है और ये रिसिपियंट है और गवर्नमेंट ने लाइबिलिटी सप्लायर पे रखी है तो मुझे बताओ गवर्नमेंट को टैक्स कौन देगा सप्लायर तो नॉर्मली नॉर्मली सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट ये समझ में आया क्या सप्लाई इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट इसको कहा जाता है नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज एक नया पिक्चर नया वर्ड आया पिक्चर में क्या नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड फॉरवर्ड मतलब ये दे रहा है सप्लाई करेगा एंड पास ऑन करेगा समझ लो आपकी वैल्यू एक लाख है एक लाख पे जीएसटी एटीन थाउजेंड है तो ये एटीन थाउजेंड गवर्नमेंट को पे करेगा और आपको इनवाइस में एटीन थाउजेंड पास ऑन कर देगा अच्छा हु इज अल्टीमेट बेरर ऑफ टैक्स कंज्यूमर पर हमें वो नहीं लिखना हमें ही इज अ बेरर बट हु इज लाइबल टू पे टू द गवर्नमेंट सप्लायर समझ में आया क्या सप्लायर गवर्नमेंट को देगा अंडर नॉर्मल चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज और फॉरवर्ड सप्लायर इज लाइबल टू पे टैक्स लेकिन कुछ केसेस में गवर्नमेंट कहती है ये वाले चार्ज को रिवर्स कर दो मतलब हम टैक्स सप्लायर का चेहरा हमें बिल्कुल पसंद नहीं है हम सप्लायर से टैक्स नहीं लेंगे हम टैक्स किससे रिसेप से लेंगे मतलब इस फॉरवर्ड या नॉर्मल चार्ज को रिवर्स कर दो और एक ना, नाम पिक्चर में आ गया क्या रिवर्स चार्ज रिवर्स चार्ज तो गवर्नमेंट टैक्स सप्लायर से नहीं रिस से लेगी रिस से लेगी सर क्या गवर्नमेंट की ऐसी मनमानी है चेहरा पसंद नहीं है जा तेरे से नहीं लेता बाहर से लेता हूं। क्या ऐसी मनमानी है क्या इंडिया में ऐसा लॉ चलता है चेहरे पे भाई साहब गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना दिल में उतर के देखो ना तो ऐसे केस में फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसिंग गवर्नमेंट कुछ गुड्स और सर्विसेस के ट्रांजेक्शन नोटिफाई करेगी उस गुड्स और सर्विसेस के ट्रांजेक्शन पे गवर्नमेंट सप्लायर से टैक्स न लेते हुए टैक्स रिसिपियन से लेना पसंद करेगी और जब टैक्स रिसीपियन से डायरेक्ट लिया जाएगा तब उसे कहा जाएगा रिवर्स चार्ज जो चैप्टर फोर में बहुत डिटेल में बहुत डिटेल में देखेंगे ठीक है अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है डिस्कशन नहीं समझ में आ रहा है तो अब ये रिवर्स एक बस बेसिक एग्जाम्पल दे के समझाना चाहोगा और बात अगर वहां तक और वहां तक पहुंच जाए तो दाद दीजिएगा तो दाद दिखाइएगा नहीं दीजिएगा ठीक है अच्छा आपको एक पोयम सुननी है हा? अच्छा आपके मन को छू जाए तो वाह वाह कीजिएगा दाद दीजिएगा आ, प्रेम अच्छी है, सुनिएगा जरूर आपके दिल को छू जाए तो वाह वाह करिए जब से सुन नाला एक सुन ठीक <laughs> है जब से हूं उससे सबसे मिलना मिला छोड़ दिया जब से मिला उससे सबसे मिलना मिलाना छोड़ दिया ओके okay, आगे आगे सुन आगे सुन आगे सुन मेरे लिए उस पागल ने भी सारा जमाना छोड़ दिया जब से मिला हूसे सबसे मिलना मिलाना छोड़ दिया मेरे लिए उस पागल ने भी सारा जमाना छोड़ दिया आजकल जमाना छोड़ना मतलब WhatsApp छोड़ दिया उसके बाद टेलीग्राम छोड़ दिया सोशल सोशल मीडिया छोड़ दिया हाँ सोशल मीडिया इंस्टा छोड़ दिया आगे सुनिए आगे सुनिए आपके दिल को जाए दाद दीजिएगा उसकी चाहती की खुशबू में नालायक रुकना रुकना बिल्कुल चुप उसकी चाहती की खुशबू में मैं कम का, का रहता हूं उसकी चाहती की खुशबू में महका महका रहता हूं आगे सुनिए आगे एक वर्ड आएगा इत्र इत्र मतलब परफ्यूम ठीक उसकी चाहती की खुशबू में महका महका रहता हूँ जब से उसका साथ मिला है इत्र लगाना छोड़ दिया <laughs> जब उसे उसका साथ मिला है इत्र लगाना छोड़ दिया ओके सुनाओ चलो हो गया बेटा टाइम पास सब आप अप अपने हिसाब से टाइम पास कर रहे हैं जो गली नालायक है वो सिटी बाजार है ओके okay, गली के छपरी है वो सिटी बाजार जिसका श, श, जिसको जिसको पूरे क्लास से पिछले चार महीने से फर्स्ट्रेशन आया वो जोर जोर से चिल्ला रहे है ठीक है तो यहां पे, ना अब यहां पे, श, श, कंट्रोल कंट्रोल बेटो कंट्रोल <laughs> हा <laughs> तो यहां पे नॉर्मली लाइबिलिटी नॉर्मली लाइबिलिटी किसके ऊपर है सप्लायर पे लेकिन गवर्नमेंट जो है यहां पे कुछ नोटिफाइड केसेस में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब भाई तुमको बहला लिया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए अब थोड़ा ध्यान दो ठीक है तो यहां कुछ केसेस में गवर्नमेंट जो है टैक्स लेना चाहती रिसीपियन ऐसे अराउंड मैं 15, 16 केसेस पढ़ाऊंगा जहां गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि हम टैक्स सप्लायर से नहीं लेंगे हम टैक्स किससे लेंगे किसेंगे इसका एक एग्जाम्पल आपको अभी देना चाहूंगा और वो एग्जाम्पल जो है ओके यहाँ पे जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है सभी ध्यान दूंगा जीएसटी क्या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है अगर कोई बाहर का सर्विस प्रोवाइडर है यूएसए का कोई सर्विस प्रोवाइडर है और वो समझ लो सर्विस प्रोवाइडर और वो सर्विस प्रोवाइडर अगर इंडिया में सर्विस दे रहा है कहा सर्विस दे रहा है इंडिया में तो ऐसे केस में रिसिपियन इंडिया का है समझ लो मेरी कार खराब हुई और मैंने जेम्स बॉन्ड को बुलाया कि भाई मेरी कार रिपेयर करके देख चल समझ में आया क्या और मैंने जेम्स बॉन्ड को बुलाया सप्लायर कहाँ का है इंडिया बाहर का है और रिसिपियंट कौन है इंडिया में तो जो सर्विस इंडियन इंडिया ये डेस्टिनेशन पे प्रोवाइड की गई फॉर वो इंडिया जमीन हो पानी हो आसमान हो अरे आया ना इंडिया ये डेस्टिनेशन पे सर्विस प्रोवाइड की गई तो वो केस में क्या उसके ऊपर जीएसटी आना चाहिए हा आना चाहिए हा आना चाहिए तो भाई साहब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा पहले तो दिमाग में फिक्स कर दो सर वाय बिकॉज सर्विस इज प्रोवाइडेड इन इंडिया समझ लो वो ओके जेम्स बॉन्ड आया उसने सर्विस दी मेरी कार रिपेयर की डॉलर वन लैख का बिल देके चले गया समझ में आया उसने बिल दे दिया डॉलर वन लैख का और मुझे अब मैंने भी सोचा ठीक है ओनली डॉलर वन लैख मैं दे रहा हूं तो, पर रिसिपियन इंडिया में सप्लायर इंडिया के बाहर ये समझ में आया क्या अब हम भाई सर्विस तो प्रोवाइड होगी जेम्स बॉन्ड चले गया एक दिन के अंदर शाम के फ्लाइट लेके अब हमारी गवर्नमेंट मंथली बेसिस पे टैक्स ले रही है ओके मंथ हो गया मंथ होने के बाद ओके गवर्नमेंट को पता चला कि भाई ओके हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन डॉलर वन लैख और सर्विस विशाल सर ने ली है तो गवर्नमेंट ने मेरे कॉल किया की जिम्मेदारी सप्लायर की है उसको पकड़ो पर सर ना गवर्नमेंट ने कहा हाँ हा ठीक है ठीक है अब गवर्नमेंट जो है झेमजुआंड को उड़ रही है कॉल कर रही है ओके okay, टैक्स अरे वो तुमने इंडिया में सर्विस दिया था ना उसका टैक्स आई विल पे आई विल पे ठीक है छह महीने हो गया एक साल हुआ कोई टैक्स नहीं अब गवर्नमेंट उसको पकड़ेगी कैसे सर उसके ऊपर इंटरनेशनल सूट फाइल कर देंगे हमारा एमएससी वो एमएससी को कांटेक्ट करेगा भाई साहब रोज करोड़ों का सर्विस पूरे वर्ल्ड से इंडिया में आता है किसको किसको पकड़ोगे किसको किसको पकड़ोगे और किसके ऊपर इंटरनेशनल सूट डालोगे आज दाऊद को नहीं ला सके अरे या ना किसको विजय माल्या को नहीं ला सके नीरव मोदी को नहीं ला सके किसको पकड़ोगे पॉसिबल ही नहीं है बट सर लाइबिलिटी हाँ भाई लाइबिलिटी इज ऑन सप्लायर पर वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है बचपन में आपने एक इंसिडेंस देखा होगा एक सिंबॉलिक पैरेलल एग्जांपल। फिर वापस मेरे स्टोरी पे आता हूं आपका और आपके नेबर में आपकी एज का कोई आपका फ्रेंड दोनों खेल रहे हैं। अब तुम्हारा धरो <laughs> भी यहां पे आके खेल रहे हैं। खेलते खेलते आपके नेबर में आपका जो फ्रेंड है उसने मस्ती में लड़ाई होगी उसने मस्ती में दो तीन आपको टिका दिया एग्जाम्पल ले रहा आपने भी टिका बाबा अलग एग्जाम्पल उसका ले रहा तो उसने टिका दिया दो तीन आपके मम्मी ने देख लिया कि गलती आपकी नहीं उसकी थी तभी उसकी गलती होने के बाद भी उसने मारा है आप रोते रोते मम्मी के पास गए मम्मी को तो चीड़ आ रही थी उस पर जो बाजू वाला है पर उसको हाथ भी नहीं लगा सकते अरे यहां है ना उसको हाथ भी नहीं लगा सकते तो क्या हुआ मम्मी ने आपको ही तो खींच के मारा तेरे को दस बार बोला था उसके साथ खेलना नहीं तेरे को दस बार बोला था उसके साथ खेलना नहीं आपको ही तो खींच के वैसे ही गवर्नमेंट करती है ये बंदा उसके साथ खेल रहा है <laughs> समझ आया क्या ये बंदा उसके साथ खेल रहा है समझ आया क्या अब वो जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है तो गवर्नमेंट खींच के देती है रिसिपियंट को ही मतलब गवर्नमेंट कहती है बाहर वाले से सर्विस अगर इंडिया में ली तो हम सप्लायर से टैक्स कलेक्ट करना पसंद नहीं करेंगे उसका टैक्स हम किससे किससेड दिट सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज एंड टैक्स इज पेबल बाय क्या रिशिपियंट अरे समझाएंगे समझा टैक्स इज पेबल बायट और ये केस में टैक्स रिसिपियन देगा और जन्म हुआ एक कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट था क्या रिवर्स चार्ज ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था ऐसे पंद्रह से मैं पढ़ा होगा रिवर्स चार्ज में, फोर में। कैसे समझा? तो सर, आपको नहीं लगता भी, यहां पे बर्डन आता है नहीं आता बेटा क्यों क्योंकि अगर सप्लायर पर टैक्स लगाते तो सप्लायर पास ऑन ही करता तो बस ऐसा है कि रिसिपियंट ऐसा देने के बजाय ऐसा ही देगा अरे हाँ या ना ऐसा ही देगा डायरेक्ट देगा ओके okay. उसको तो देना है उसको तो देना है पर वो क्या कैसे दे रहा था सप्लायर को दे और सप्लायर पे हो रहा है अरे आया ना उसको डायरेक्ट देना है हाँ बस इतना ही है कि उसके कंप्लायंस बढ़ गए उसके क्या कंप्लायंस बाकी डिस्कशन देना क्लास के बाद भी सवाल मत पूछना क्यों बिकॉज मैं पूरा तीन घंटा एक एक पूरा लेक्चर सिर्फ ये पढ़ाऊंगा रिवर्स चार्ज आया ही क्यों समझ में आया क्या ये तो सिर्फ झलक थी पिक्चर अभी बाकी है मैंने बात समझे ओके okay, तो इन शॉर्ट सेक्शन नाइन थ्री नाइन थ्री कहता है कुछ नोटिफाइड केस बच्चा रिवर्स चार्ज सभी केस में कि नोटिफाइड केस में कुछ गुड्स और सर्विस के केसेस नोटिफाई करेंगे जहां लाइबिलिटी सप्लायर पे रहेगी या रिसिप पे रहेगी जहां लाइबिलिटी रिसिप पे रहेगी टैक्स देने की ठीक है नाइन फोर भी बेटा रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड डिटेल डिस्कशन चैप्टर नंबर फोर तो रिवर चार्ज के दो सबसेक्शन है नाइन थ्री 94 नाइन फोर ओके जो हम आगे देखेंगे नाइन फाइव ओके लाइबिलिटी ऑफ क्या ई e कॉमर्स मैं पढ़ूंगा नहीं अभी क्योंकि ये भी डिस्कशन आगे डिटेल में है अभी बस इतना बताऊंगा कि इंडिया में अभी पिछले दस साल में बहुत सारे एग्रीगेटर डेवलप हुए हैं एग्रीगेटर मतलब ओला उबेर ये बताओ जो टैक्सी आप ओला से बुक करते हो वो टैक्सी ओन ओला की होती है या और, और यहां पे टैक्सी ऑपरेटर की होती है टैक्सी ऑपरेटर की ओला कुछ नहीं करता है ओला दो लोगों को एग्रीगेट करके दे देता है दो लोगों को कनेक्ट करके दे देता है और अपना कमीशन लेता है येस और नो तो ऐसे केस में इसको एक नाम दिया गया जीएसटी में ये नाम जरूर याद रखना इसको नाम दिया गया ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन एग्रीगेट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली समझ में आया ना इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो ऐसे केस में गवर्नमेंट जो है कुछ ऑपरेटर नोटिफाई करेगी जिसका टैक्स सप्लायर भी नहीं देगा टैक्सी ऑपरेटर जिसका टैक्स रिसिपियन भी नहीं देगा जिसका टैक्स कौन देगा ईसीओ देगा इसलिए ओला के केस में ओला एक्चुअल सप्लायर भी नहीं है सप्लायर टैक्सी ऑपरेटर है रिसिपियंट आप हो वो सिर्फ कौन है एग्रीगेटर लेकिन गवर्नमेंट टैक्स किससे ले रही है एग्रीगेटर से ना सप्लायर से ले रही है ना recipient. तो वो केस में ईसीओ टैक्स देगा मैं उसको शॉर्ट में आगे क्या वर्ड यूज करूंगा ईसीओ बस इससे ज्यादा अभी फिलहाल आपको पढ़ना नहीं है आगे आ जाओ आगे आ जाओ लेवी एन कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी जी एक मिनट अभी हमने कौन किसका सेक्शन देखा सीजीएसटी का ये सेक्शन फाइव लिख दो सेक्शन फाइव ऑफ आई जी एस टी सेक्शन फाइव ऑफ आई जी एस टी एक्ट यहां लिख दो ऊपर सेक्शन फाइव ऑफ आई जी एस टी एक्ट फाइव ऑफ आई जी एस टी एक्ट देन अच्छा आईजीएसटी का लेवी जैसे सी जी एस टी का लेवी इंट्रा पे था तो आईजीएसटी का लेवी दैट्स ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेस अंडरलाइन करना इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इम्पोज ऑन विच ट्रांजेक्शन वैल्यू शुड बी अंडर सेक्शन फिफ्टीन ऑफ सी जी एस टी एक्ट आई जी एस टी समीजीएस टी एंड एस जी एस टी स्लैश यू टी जी एस टी आप इनअप मैच हो गए स्लैश यूटी जी एस टी या क्या देखो मैंने पढ़ाई हुई हर चीज ना आपको अब इतना स्पीडअप करवाएगी इतना स्पीडअप करवाएगी अगर मैं डायरेक्ट एक्ट चालू कर देता तो मुझे वो वही चीज वापस पढ़ानी पड़ती हरे यहाँ है ना पर बैकग्राउंड हमारा बहुत स्ट्रांग हुआ है ठीक है तो अब यहां पे सी जी एस जी एस टी और मैक्सिमम मैक्सिमम रेट ऑफ आई जी एस टी कितना रहेगा? 40%, 40%, है, चलो मुझे यह बताओ अगर गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होता है अगर गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होता है तो उसके ऊपर कौन सी टैक्स लगता है बीसीडी बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस प्लस उसे इंटरेस्टेड भी बोला जाएगा और क्या लगेगा आई जी एस टी ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए लिख देना नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम लेकिन आपके रेफरेंस के लिए दे रहा अरे है ना देखो ऑल इंपोर्ट्स आर ट्रीटेड एज अंडरलाइन इंटरस्टेट सप्लाईज अभी क्या बता रहा हमने चार दिन पहले लिखा समझ में आया क्या ओके तो ऑल इंपोर्ट्स आर ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाईज एंड आई जी एस टीविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स इन एडिशन टू क्या कस्टम ड्यूटी कस्टम ड्यूटी मतलब बीसीडी बीसीडी द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स

उसी वक्त एज वेल एज आई जी एस एज पर कस्टम्स एक्ट कलेक्ट हो जाएगा ठीक है तो कलेक्शन मैकेनिज्म चलो उसको दूसरे परसेप्शन समझाता हूं ओके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के बोर्ड मेंबर बैठे थे बोर्ड मेंबर बैठे थे इधर कस्टम्स के कुछ दो मेंबर ऐसे थे जो कस्टम हैंडल कर रहे अरे है ना सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीआई सीबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम बोर्ड तो एक ही है बोर्ड तो एक ही है सेवन मेंबर बॉडी है देखो समझाने का ढंग बदल गया ना तो कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आते हैं ओके okay, थोड़ा मैं आपको तो सात मेंबर में से फाइनेंस मिनिस्टर ने दो मेंबर को कस्टम्स का हैंडलिंग दिया अरे है ना और पांच मेंबर को क्या जीएसटी का हैंडलिंग दिया अब सात मेंबर बैठे सात मेंबर बैठे तो ये जीएसटी के मेंबर कह रहे कि यार इंपोर्टेड गुड्स पे तो आई लगेगा है ना पर आई लगेगा तो ये जो जीएसटी के मेंबर है इन्होंने जो कस्टम हैंडल कर रहे थे उनको पूछा कि देखो आईजीएसटी लगेगा आईजीएसटी एक्ट में पर बोर्ड तो हमारे एक ही है अरे हाँ ना तो क्या आपका ऑफिसर कस्टम ऑफिसर क्या ये आईजीएसटी का कलेक्शन कर सकता है क्योंकि वैसे भी वो बीसीडी का कलेक्शन करेगा ही कहां पे करेगा? I'm में, तो आईजीएसटी का भी कर ले साथ, -साथ में तो यस फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या प्रॉब्लम है तो यहां पे ऐसा हुआ कि आईजीएसटी लगाया गया सेक्शन फाइव में अरे है ना पर उसका कलेक्शन मैकेनिज्म किसके पास रखा गया कस्टम टैरिफ एक्ट में ये समझा कि नहीं समझा ओके okay, तो यहां पे जिसको आईजीएसटी को एसीडी थ्री सेवन भी बोला जाता है दिस टैक्स इज इन एडिशन टू बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी भी लगेगा साथ साथ में ये भी लगेगा आईजीएसटी सर्टन लग्जरी एंड डिमेरिट गुड्स में ऑल्सो सब्जेक्ट टू जीएसटी कंपेन्सेशन सेस अगर आप लग्जरी कार इंपोर्ट वगैरह करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी सेज भी लगता है ओके okay, तो यहां पे साइड में डायग्राम लिख दो अगर गुड्स इंपोर्टेड है इंपोर्टेड गुड्स है तो इसके ऊपर कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं? बीसीडी, दूसरा आई जी एस टी इक्वल्स टू ए सी डी थ्री सेवन आई जी एस टी इक्वल्स टू ए सी डी थ्री सेवन एसीडी क्या होता है लिख दो एडिशनल कस्टम ड्यूटी एसीडी होता है एडिशनल कस्टम ड्यूटी हाँ डन चलो अब मुझे बताओ मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है ये बताओ आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई कब बोला जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाई कब बोला जाएगा पूरा बोलो पूरा बोलो एलएस एंड पीओएस आर इन सेम स्टेट सेम यूटी तो इंट्रा और इंटर का बोला जाएगा एलएस एंड पीओएस डिफरेंट स्टेट डिफरेंट यूटी स्टेट यूटी कुछ याद आया क्या बस वही है बस वही है इंट्रा स्टेट जनरल वेर लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब क्या एलओएस एंड प्लेस ऑफ सप्लायर मतलब

ये और इंटरस्टेट सप्लाई बोला जाएगा एलओ एस और पीओएस अब गुड्स और सर्विस आर इन टू डिफरेंट स्टेट टू डिफरेंट यूटीज और स्टेट और यूटीज तो उसे इंटरस्टेट बोला जाएगा डन तो इस तरह से हमारा लेवी का सेक्शन हुआ पर अब लास्ट अभी मेरे साथ एक चार्ट ड्रॉ करना है और अब नए कॉन्सेप्ट के बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट के जन्म हो गए क्योंकि लेवी से ठीक है तो चलिए अब आ जाओ आप यहां पे सेक्शन नाइन पे नेक्स्ट पेज दिख रहा है आपको ब्लैंक पेज होगा शायद पहले ये चार्ट का व्यू ले लो ये चार्ट कुछ ऐसा आने वाला है पूरा अगर आप वर्टिकल के जगह हॉरिजेंटल करे हो तो अच्छा मैनेज कर पाओगे स्पेस को वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल तो चार्ट प्रॉपर मैनेज होगा वर्टिकल तो वर्टिकल आपकी मर्जी आपको वर्टिकल चलना है तो वर्टिकल चलो जो भी है वर्टिकल पेज भी ठीक रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं लिखो सेक्शन नाइन वन चार्जिंग सेशन सेक्शन अच्छा सेक्शन नाइन कौन से एक्ट का सीजीएसटी और फाइव वन आई जी एस टी तो आप ऐसा लिखो सेक्शन नाइन वन और फाइव वन क्योंकि नाइन वन सी जी एस टी फाइव वन क्या आई जी एस टी लिखो चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग सेक्शन ठीक है उसमें थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लो तीन पार्ट बनेंगे लेवी के लिए ज्यादा स्पेस रखना कलेक्शन एंड पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इन दोनों के नीचे दो दो लाइन ही है समझ में आए क्या इसलिए इधर कम स्पेस रखा तो भी चलेगा मैक्सिमम स्पेस फर्स्ट पार्ट के लिए रखना लेवी सेकेंड पार्ट कलेक्शन एंड थर्ड पर्सन लाइवल टू पे टैक्स हो गया एक काम करो पहले ये दो वाले लिख लो तो आपको फिर इधर खेलने में जगह मिलेगी ठीक है तो यहां कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स ये दोनों पहले कंप्लीट कर लो कलेक्शन के नीचे लिखो इन सच अ मैनर एज प्रिस्क्राइब इन सच ए मैनर एज प्रिस्क्राइब और पर्सन लाइबल टू पे टैक्स में टैक्सेबल पर्सन टेक्सेबल पर्सन देन अब आ जाओ लेवी पे लेवी में तीन पार्ट करो चार्ज वैल्यू एंड रेट्स चार्ज वैल्यू एंड रेट्स हाँ, पहले वैल्यू और रेट को खत्म करो पहले वैल्यू और रेट को खत्म करो वैल्यू एज डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15 और बताओ सी के मैक्सिमम रेट कितने रहेंगे उसको ऐसा लिखो तो ज्यादा अच्छा सी मैक्स ट्वेंटी परसेंट और आई जी एस टी सी जी एस टी मैक्स ट्वेंटी परसेंट एच जी एस टी मैक्स ट्वेंटी परसेंट और आई जी एस टी मैक्स ये एक्चुअल रेट है या ये मैक्सिमम रेट है मैक्सिमम ये मैक्सिमम रेट है अब आ जाओ चार्ज हमारी लाइबिलिटी किसके ऊपर है लिखो ऑल इंट्रा स्टेट ऑल इंट्रा स्टेट और स्टेट नीचे और बीच में और लिख के ऐसा करना और स्टेट अच्छा इंट्रा पे कौन सी लाइबिलिटी आएगी गी गी। तो ब्रैकेट में सीजीएसटी जीएसटी जीएसटी और इंटर पे कौन सी लाइबिलिटी आएगी आईजीएसटी ऑल इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड अब नीचे लिखो सप्लाइज सप्लाइज ऑफ Supplies of goods or services or both. Supplies of goods or services or, or both. Except बताओ सारे गुड्स पे टैक्स लगाने का पावर है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंज़म्पशन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंज़म्पशन और उसके नीचे नाइन टू लिखो

जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करेगा कौन से ऐसे गुड्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिखते जाओ सारे पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस एन एटीएफ एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल डन। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं बट मैं आपको कह दू टुमारो सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिस मत करना नहीं तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो बाय बोलो बच्चों। तो कल मिलते हैं शार्प एट एट ए एम ठीक है पर आने के पहले आने के पहले मैं इतना ही कहूंगा या ऑनलाइन कनेक्ट होने के पहले एक बार टेलीग्राम जरूर चेक कर लेना आने के पहले एक बार टेलीग्राम जरूर चेक कर लेना हो सकता है थोड़ा बहुत लेट भी हो कल का सेशन हो सकता है आपने आपने मैसेज नहीं करना मैं ही करूंगा लेट हुआ तो करूंगा पूछना नहीं सर बताओ ना समझ में आया क्या? आपने किसी ने पूछना नहीं है लेट हुआ तो मैं कर दूंगा ठीक है कल लेक्चर ऐप पे होगा कल लेक्चर ऐप पे होगा अगर ऐप में कोई टेक्निकल इश्यू होगा तो यूट्यूब पे रहेगा ओपन रहेगा कौन से सेक्शन लर्न करना है मैं बता दूंगा दो मिनट ऑफिस में रुको मैं उसके ऊपर जो है टेरिटोरियल वाटर में ट्रांजैक्शन होता है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नाइन ऑफ आईजीएसटी एक्ट से फिक्स होता है मैं जब आईजीएसटी एक्ट पढ़ा होगा तो उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा नीचे ऑफिस में रुको मैं आ रहा हूँ ठीक है राजेश बंद करूँगा रिकॉर्डिंग बंद करूँगा